हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। हेलो तनीषा, कनक, नाज, जानवी, हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। आज का चैप्टर बड़ा शानदार होने वाला है। तुम सोच रहे हो स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक है। चैप्टर आज का बड़ा शानदार है। चैप्टर का नाम है इवोल्यूशन। चैप्टर का नाम इवोल्यूशन। अपनी एनसीईआरटी खोल कर बैठेंगे। इवोल्यूशन सारी बातें चलेंगी एनसीईआरटी की ही, लेकिन अलग तरीके से, क्योंकि ये चैप्टर को अगर कोई बच्चा पहली बार एनसीईआरटी से पढ़ रहा होगा तो वो बच्चा इस चैप्टर को समझ नहीं पाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में पहले तो पूरा का पूरा सीक्वेंस जो है वो चेंज है। बहुत लाइनें अलग वे में लिखी गई हैं। लगता है पूरा ही पूरा ये थियरी है, ये चैप्टर कैसे कंप्लीट होगा, है ना। तो आज हम लोग इस चैप्टर को 2 घंटे में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जो नोट्स बने हुए हैं उन नोट्स के जरिए हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ये नया यूनिट है पूरा, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। तो आज हमने उसमें इवोल्यूशन लिया है, कल हम उसमें जेनेटिक्स का पहला पार्ट करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और उसके बाद अगला होगा मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो अपनी एनसीईआरटी बस खोल कर बैठना है ना। हाँ, बिखरे हुए चीजों को हमें समेटने की कोशिश करनी है इवोल्यूशन वाले चैप्टर में। जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा क्वेश्चंस इसी में से आने हैं, और कल शाम को 4 बजे इस चैप्टर का प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं स्पेशल क्लास में। तो आज अगर अच्छे से थियरी करोगे तभी कल इसके क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है। तो पूरी तरीके से फोकस रखें यहां पे, है ना। बहुत बढ़िया। चलो तो स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले पूरी एनसीईआरटी ही है, बस फोकस रखना है यहां पे। मुझे लगता है स्क्रीन पे सारी चीजें आ रही होंगी, ठीक है। हाँ भाई, सबसे पहले बात करते हैं इवोल्यूशन क्या होता है। तो हमारे अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आज मौजूद हैं, जितने पहले मौजूद थे, उन सब की हिस्ट्री पढ़ना, जो भी हमारे अर्थ पे हैं और जो भी हमारे अर्थ पे थे वाले का हिस्ट्री पढ़ना, ये ब्रांच बायोलॉजी की कहलाती है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम अर्थ की कहीं ना कहीं हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, तो हम इन चीजों को इवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहा जाता है। अब डिस्टेंस को मेजर करने का जो तरीका है, स्केलर डिस्टेंस को मेजर करने का तरीका क्या है, लाइट ईयर्स। ये तुमने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। लाइट ईयर एक ऐसा तरीका है जिससे हम यूनिट को मेजर कर सकते हैं। जैसे 1 किलोमीटर होता है ना, ऐसे यहां पे 1 लाइट ईयर होता है, ठीक है। तो अलग अलग पैमाना है, तो यहां पर हम बात करते हैं लाइट ईयर्स में। एनसीईआरटी ने लिखा है लाइट ईयर्स। अब एक बात आती है कि जो हमारा आज का यूनिवर्स है, ये कैसे ओरिजिनेट हुआ, आखिर ये कैसे बना, पूछा जाए इसको कौन सी थियरी समझाती है, हमारी यूनिवर्स कैसे बनी। तो ये एक थियरी है जिसका नाम है बिग बैंग एक्सप्लोजन। ये बातें एनसीईआरटी के दूसरे पेज में लिखी हुई हैं। अरे ये बात समझ में, कहीं से कहीं शिफ्ट हो जा रही है एनसीईआरटी। तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स बिग बैंग एक्सप्लोजन से समझा जा सकता है। बिग बैंग एक्सप्लोजन मतलब एक बहुत बड़ा धमाका, एक सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन एक हुआ था। ये नहीं बोल सकते हमारे अर्थ पे हुआ था, ये बोल सकते हैं कि हाँ पूरे यूनिवर्स में भी नहीं बोल सकते कहीं हुआ, क्योंकि यूनिवर्स ही बना बिग बैंग एक्सप्लोजन के चलते। समझ सकते हो, बस पूरी की पूरी दुनिया जो है उसमें एक बिग बैंग एक्सप्लोजन हुई और उससे इस यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ, और यूनिवर्स के क्रिएशन के बाद हमारा अर्थ बना है। 20 बिलियन ईयर्स अगो यूनिवर्स का हुआ ओरिजिन, और हमारी जो अर्थ है
हमारी ये जो धरती है ये करीब 4.5 बिलियन ईयर्स पुरानी है, मतलब यूनिवर्स तो है 20 बिलियन पुराना, लेकिन अर्थ की बात की जाए तो ये 4.5 अरब साल पुरानी है। अगर हम यूनिवर्स की बात करें तो इसमें एक गैलेक्सी नहीं है, अपना तो एक मिल्की वे गैलेक्सी है जो अर्थ की बात करते हैं, लेकिन अगर यूनिवर्स की बात करें तो लगभग कहते हैं लाखों करोड़ों गैलेक्सीज मौजूद हैं, और हमारी अर्थ पे जो हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। बहुत सारे स्टार्स, क्लाउड ऑफ गैस, डस्ट, ये सब का फॉर्मेशन होता है गैलेक्सी में, ये सब चीजें मौजूद होती हैं। यहां से जो काम के क्वेश्चन हैं वो तो लाइट ईयर वाला याद रखना, यूनिवर्स का ऑरिजिन कौन सी थियरी बताता है वो ध्यान रखना है, अर्थ कितनी साल पुरानी है, यूनिवर्स कितना साल पुराना है, ठीक है। और हमारी तो मिल्की वे गैलेक्सी है वो तो तुमको पता ही है ना, हमारी गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी है, ठीक है। हाँ चलो नेक्स्ट, ये तो बात होगी जनरल सी बात, यहां से जनरली क्वेश्चंस आते नहीं है। देखो ये चैप्टर का ना कुछ चीज फिक्स्ड है कि चैप्टर में क्वेश्चन बनते कहां से हैं। जैसे तुमने सुना होगा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, यहां से आते हैं क्वेश्चन। इसके बाद ह्यूमन इवोल्यूशन से क्वेश्चन बनते हैं, मेनली चीजें कुछ फिक्स्ड है, एनालॉगस होमोलोगस से क्वेश्चन आते हैं, है ना। लेकिन हम लोग तो पढ़ेंगे एक एक चीज को, क्योंकि भरोसा नहीं है एनटीए का कहां से पेपर वो बना दे। नेक्स्ट, इवेंट्स आफ्टर एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। अब बात आती है कि जो धरती, जैसे जैसे यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ तो कैसे कैसे क्या हुआ। टेम्परेचर जिस समय यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ था इतना जोरदार वो धमाका था, कहते हैं सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन था वो, इतने बड़े धमाके की वजह से टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हो चुका था। हाइड्रोजन हीलियम का फॉर्मेशन हो रहा था, बहुत सारे गैसेस तो कंडेंस्ड हो गए थे, और बहुत सारे गैलेक्सीज ऑफ प्रेजेंट डे, जो आज की जो गैलेक्सी तुम देखते हो वो उस समय ही गैलेक्सी का फॉर्मेशन हो चुका था। धीरे धीरे यूनिवर्स पूरी तरीके से एक्सपैंड हो रहा था इस दुनिया में। अब कुछ हाइपोथेसिस दी जाती है, क्योंकि प्रूफ तो कुछ है नहीं, आज से 20 बिलियन ईयर्स पहले कैसे जाएं प्रूफ के लिए, तो कुछ हाइपोथेसिस ही है जो ऑरिजिन ऑफ लाइफ के लिए। कहते हैं कि जिस समय हमारा अर्ली अर्थ था उस समय कोई एटमॉस्फेयर नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी, उस समय ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में प्रेजेंट था भी नहीं। हमारी पूरी की पूरी जो अर्थ की सरफेस है वो मॉल्टेन मास से कहीं ना कहीं गिरी होती थी, मानकर चलो ज्वालामुखी के लावे फट रहे हैं धरती पे, कुछ ऐसा माहौल था उस समय धरती का। वाटर वेपर, क्योंकि पानी प्रेजेंट था नहीं, इतनी ज्यादा टेम्परेचर थी, सारी चीजें वाटर वेपर के फॉर्म में सब उड़ी हुई थी ऊपर में। मिथेन था, कार्बन डाइऑक्साइड था, अमोनिया था, ये सब चीजें थी। जो H2O था, अल्ट्रावायलेट रेज गिरती थी तो H2+O2 में कन्वर्ट हो जाता था। ऐसे ही अगर हम देखें तो बहुत सारे अदर कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता रहा, लेकिन जब धीरे धीरे चीजें कंडेंस्ड हुई तो ऊपर का जो H2O वेपर के फॉर्म में था वो बारिश के तौर पे नीचे की तरफ गिरा, मतलब टेम्परेचर कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम हो रहा होगा। 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुआ करता था अर्ली अर्थ का, धीरे धीरे टेम्परेचर जब डाउन हुआ तो उसके बाद हमारे अर्थ पे जितने भी डिप्रेशन थे, जितने भी गड्ढे थे हमारे अर्थ पे, तो उस तरीके से रूप लेकर वो महासागर का रूप ले लिए। ये सब कहती है हाइपोथेसिस है, और यही सच भी है जो पूरी तरीके से साइंटिस्टों का पूरा रहा है, उसके अकॉर्डिंग लोग मानते भी हैं कि हाँ यह हाइपोथेसिस बिल्कुल सही है। और उस वक्त ही ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हुआ था। ओजोन लेयर उस टाइम पे बहुत अच्छे से था, लेकिन आज ओजोन में होल क्रिएट हो रही है ओजोन डिप्लेटिंग सबस्टांस की वजह से। लाइफ अपियर्ड 500 मिलियन ईयर्स अगो, मैं कहता हूं तो यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि धरती बनी थी 4.5 अरब साल पहले, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले धरती बनी थी। और जब धरती बनी ना, उसके 500 मिलियन ईयर्स के बाद लाइफ अर्थ पे आ चुकी थी, मतलब कहते हैं 4 बिलियन ईयर्स पहले धरती पे लाइफ आ चुकी थी। 4.5 अरब साल पहले तो धरती बनी थी, और 4 अरब साल पहले धरती पे लाइफ आ चुकी थी, पहली लाइफ, फर्स्ट लाइफ आई थी। अब यहां पर नॉन सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं, ये जो पहली बार लाइफ का अपियरेंस हुआ है वो पूरी तरीके से सेलुलर लाइफ नहीं है, क्योंकि पहली बार तो नॉन सेलुलर लाइफ देखने को मिला 3 बाया पहले, ये है बाया मतलब बिलियन ईयर्स अगो।
तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड सब मिलकर एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किए और इस तरीके से पहली लाइफ जो आई थी वो नॉन सेलुलर लाइफ इस तरीके से आई। ठीक है, अब इस तरीके से मॉलिक्यूल में रिप्रोडक्शन लगातार जारी रहा तो एक से दो, दो से चार मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ। ये दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर पूछा जाए फर्स्ट सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ तो क्या बोलेंगे? 2 बिलियन ईयर्स अगो। फर्स्ट नॉन सेलुलर तो बोलेंगे 3 बिलियन ईयर्स अगो, है ना? तो ये चीज ध्यान रखनी है। और पहली लाइफ पानी में आई है, मैंने तुमको इकोलॉजी में ये बात बताई थी कि जो पहली लाइफ आई थी, फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेटेड इन, जल्दी बताओ, फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेटेड इन, तो क्या बोलोगे? वॉटर। पहली लाइफ कहां से आई? वॉटर से आई है। ठीक है, नेक्स्ट। दिस वर्जन ऑफ बायोजेनेसिस, बायोजेनेसिस बोलते हैं कि हमारा लाइफ कैसे कैसे इस धरती पे आया, इसे बोला जाता है बायोजेनेसिस बोला करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से एक लिविंग मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है, हम इसे थियरी ऑफ बायोजेनेसिस बोलते हैं। लोगों का तो ऐसा ऐसा मानना था कि जो ब्रह्मा है उन्होंने लाइफ क्रिएट की है, हिंदू माइथोलॉजी मानती है। अलग अलग माइथोलॉजी, एक सुअरेज हैं जिनकी थियरी एनसीईआरटी में भी है, थियरी ऑफ अ स्पेशल क्रिएशन, वो तो मानती है कि धरती बस 4000 साल पुरानी है, इसके बाद ही लोग आए हैं, इसके पहले दुनिया में कोई अस्तित्व था ही नहीं किसी भी चीज का। कई थियरीज कहती हैं कि जो नील नदी है वहीं से सारी लाइफ ओरिजिनेट हुई है ना, कीचड़ से बने हैं सारे लोग, मिट्टी से बने हैं सारे लोग। अ स्पेशल क्रिएशन, ये सुअरेज की थियरी है, ये क्रिश्चियन लिटरेचर में ये चीजें देखने को मिलती हैं। ये तीन कैनोटेशंस की बात करती है, तीन स्पेशल पॉइंट्स की बात करती है ये थियरी। क्या है वो तीन स्पेशल पॉइंट्स थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के? थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन का कहना है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आज तुम इस दुनिया में देखते हो वो बिल्कुल ही वैसी थी जैसे कि क्रिएट की गई थी। मतलब ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ ही नहीं, डायरेक्ट तुम हो ना इस दुनिया में, एज इट इज तुम उतारे गए हो इस दुनिया में, कोई इवोल्यूशन नाम की चीज नहीं है। इनका कहना है कि डायवर्सिटी तो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे पहले से थी और फ्यूचर में भी बिल्कुल सेम रहेगी, और धरती बस 4000 साल पुरानी ही है। ये थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन में सुअरेज ये बातें करते हैं। तीन कैनोटेशंस हैं, याद रखना है। ओरिजिन ऑफ लाइफ को माना जाता है कि इस यूनिवर्स के हिस्ट्री का सबसे यूनिक इवेंट। अगर लाइफ की ओरिजिन नहीं हो पाती तो आज जो हमारे सामने डायवर्सिटी है वो चीजें दिख नहीं पाती। तो यूनिवर्स की हिस्ट्री में सबसे यूनिक इवेंट माना जाता है हमारे इस ओरिजिन ऑफ लाइफ का। और भी अलग अलग थियरीज हैं, जैसे एक है थियरी ऑफ पैनस्पर्मिया जिसे कॉस्मोजोइक थियरी कहते हैं। ये दिया करते थे कुछ पुराने ग्रीक थिंकर्स, उन्होंने कहा जिंदगी कहीं और से आई है, लाइफ केम फ्रॉम आउटर स्पोर। लोगों का कहना था कि आउटर स्पेस से आई है हमारी अर्थ पे जो जिंदगी है। कहते हैं किसी दूसरे प्लैनेट से हमारे अर्थ पे कोई स्पोर गिर गया था, उसी की वजह से आज लाइफ इस तरीके से ओरिजिनेट हुई है। सब लोगों का अलग अलग कहना है। स्पॉन्टेनियस जनरेशन तो कहती है कि लाइफ जो आई है वो बिल्कुल सड़ी हुई चीजों से आई है, जैसे पुआल जो होता है, पुआल जानते हो, पीली कलर की चीज जो गाय खाती है ना, तो मड कीचड़ वगैरह से आई। ये सब तो डिस्प्रूव कर दिया था लुईस पाश्चर ने। लोगों को देख रहा हूं कैसे कैसे थियरीज, और ये तो वो थियरीज हैं, सोचो जरा तुम, ये तो वो थियरीज हैं जो एनसीईआरटी ने जिक्र की हैं। जब तुम इवोल्यूशन को पूरी तरीके से डिटेल में पढ़ोगे तब तक तुमको समझ में आएगा लोगों ने कैसी कैसी बहकी बहकी बातें की हैं इवोल्यूशन में, है ना। हाँ, तो इस तरीके की बातें यहां पे आई हैं, समझ रहे हो। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं जरा। अब आते हैं नेक्स्ट, आगे थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ में चलते हैं। अगली थियरी क्या कहती है भाई? बायोजेनेसिस, वही कि लाइफ जो है कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। एक इसी के रेफरेंस में अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी भी बातें होती थी कि न्यू सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये बातें रुडोल्फ वर्चो का कहना था, है ना, 1855 में। तो ये ऐसे ही कहा करते थे, लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। तो इस तरीके से कुछ फ्लास्क होती थी, इसमें इन्होंने ईस्ट को मारा और इस तरीके से देखा कि एक जगह पे लाइफ आ रही है। तो लाइफ देखो कहां पे आई है, जहां पे एयर पास हुआ है वहां पे लाइफ आई है। आ रही है बात समझ में? तो ये इस तरह की बातें यहां पे हैं। अरे भाई एनसीईआरटी चल रही है लेकिन एक सीक्वेंस में चल रही है, तुम बात क्यों नहीं समझ रहे हो यार?
तुम बात क्यों नहीं समझ रहे हो? हाँ, एनसीईआरटी ही पूरी चल रही है, समझ रहे हो? जो चैप्टर जिस तरीके से हो सकता है उसी तरीके से कराने की कोशिश कर रहा हूं। जब तुम पहली बार एनसीईआरटी पढ़ोगे तो नहीं पता चल पाएगा एनसीईआरटी ने कहां से चीजों को स्टार्ट किया है। मेरे लिए काफी आसान होता है, तुम इस बात को अच्छे तरीके से समझते हो, मेरे लिए काफी आसान होता है कि मैं एनसीईआरटी से तुम्हें बताता जाऊं, लेकिन एक लिंक नहीं कर पाओगे इस चैप्टर में तुम, समझ गए? जब इस चैप्टर को कई बार पढ़ोगे ना, तब जाकर एनसीईआरटी में तुम्हें परफेक्शन आती है, ठीक है? चलो नेक्स्ट, आगे बढ़ो जरा। हाँ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की डायग्राम है, इस डायग्राम को जरा समझने की कोशिश करना। ये सारी चीजें एनसीईआरटी की हैं, ठीक है? देखो यहां पे सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट करने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है मिलर, ठीक है? पहले तो ये याद रखना है, मिलर है साइंटिस्ट का नाम। साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या क्या लिया है, तो कुछ गैसेस लिए हैं जैसे मीथेन, अमोनिया, पानी और H2, मतलब हाइड्रोजन। और ये बात ध्यान रहे, पानी जो है वो वेपर के फॉर्म में है। टेम्परेचर यहां का 800 डिग्री सेल्सियस है, और यहां से इलेक्ट्रोड को डाला गया है और स्पार्क को डिस्चार्ज कराया गया है। बिल्कुल ऐसा ही माहौल क्रिएट किया गया जिस तरीके का माहौल इस धरती पे हुआ करता था आज से 4.5 अरब साल पहले। देखने को क्या मिला? कुछ देर में अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन होना चालू हो गया। साइंटिस्ट तो चौंक गए कि अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन उस जमाने में हो गया, मतलब लाइफ का क्रिएशन कहीं ना कहीं वहां से शुरुआत हो गई। अरे तुम्हारी सेल में भी तो प्रोटीन बनी हुई है, तुम्हारी सेल के जो सेल की सेल मेम्ब्रेन है उसमें भी तो प्रोटीन 52% है। तो कहीं ना कहीं यहां से अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन होना चालू हो गया, ठीक है? तो इस तरीके से समझ में आई कि हाँ, लाइफ क्रिएट कुछ इस तरीके से हुआ होगा, क्योंकि हमारे अर्थ का उस समय का जो एटमॉस्फेयर था ना, वो कहते हैं कि वो एटमॉस्फेयर पूरी तरीके से रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, ठीक है? तो वो चीजें यहां पे ध्यान रखनी है। यहां से क्वेश्चंस क्या बनते हैं, एटमॉस्फेयर कैसा था, गैसेस कौन कौन सी ली थी, और टेम्परेचर उस में क्या लिया था, और एक्सपेरिमेंट किसका है, और अमीनो एसिड का फॉर्मेशन यहां पे कौन सी चीज का फॉर्मेशन हुआ, तो बोलेंगे अमीनो एसिड्स का, ठीक है? ओपेरीन एक नाम है जिन्होंने केमिकल इवोल्यूशन दिया, और हेल्डे ने, दोनों ने मिलकर दिया, ये बात याद रहे। ओपेरीन रसिया के थे और हेल्डेन जो थे वो इंग्लैंड के थे। ओपेरीन और हेल्डेन की हाइपोथेसिस है ये, जिसे केमिकल इवोल्यूशन कहते हैं। हमारे अर्थ पे लगातार केमिकल का फॉर्मेशन होता रहा, ठीक है? आगे चलें जरा। फॉर्मेशन ऑफ लाइफ जब हमारी धरती पे हुई तो पहले केमिकल इवोल्यूशन हुआ, इस तरीके से पहले इनऑर्गेनिक चीजें थी, उससे ऑर्गेनिक चीजें आई। जैसे तुम जानते हो ना, पहले एटम आया फिर मॉलिक्यूल आया, ऐसे ही पहले इनऑर्गेनिक फिर ऑर्गेनिक सब्सटेंस वगैरह धरती पे आने लगे। फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ जो हमारी धरती पे आई वो कहीं ना कहीं आरएनए, प्रोटीन, ये सब चीजें मिली और उससे आई। तो क्या ऐसा बोल सकते हैं, आरएनए और प्रोटीन ये सब नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है? तो जो पहली बार लाइफ आई वो नॉन लिविंग से लाइफ का क्रिएशन हुआ है। ये थियरी को आजमाया था मिलर एक्सपेरिमेंट में 1953 में, एसएल मिलर ने, जो कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। अभी तक तीन साइंटिस्ट के मेले नाम याद रखने हैं, ओपेरिन रसिया के, हेल्डेन इंग्लैंड के, और 1953 में एसएल मिलर का एक्सपेरिमेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसी सिमिलर एक्सपेरिमेंट में और भी अदर अदर साइंटिस्ट ने कुछ चीजों को और भी ऑब्जर्व किया। लोगों ने तो सुगर बनते देखा, लोगों ने नाइट्रोजन बेस बनते देखा, लोगों ने कई तरह के पिगमेंट्स बनते देखे, फैट बनते देखे। जब लग गया पता कि हाँ, जो कुछ भी हमारे सामने बन चुका है कहीं ना कहीं धरती पर भी वो स्टार्टिंग में बना होगा। और एक गजब की बात सुनो ना, जो मेटेरॉइड्स गिरती हैं हमारी अर्थ पे, किसी दूसरे प्लैनेट से हमारे अर्थ पे जो मेटेरॉइड्स गिरती हैं, जब इनका केमिकल कंपोजिशन को चेक किया गया तो लगा कि हमारे अर्थ पे जो चीजें गिर रही हैं इसका कंपोजिशन तो कुछ ऐसा ही है जो आज से 4 अरब साल पहले कंपोजिशन हमारे अर्थ का हुआ करता था। इसका मतलब कुछ वैसा ही प्रोसेस जो आज से 4.5 अरब साल पहले इस दुनिया में चला है वो कहीं और भी चल रहा है। तो मेटेरॉइड्स की एनालिसिस कर एनसीईआरटी में बात कही गई है कि ये सब बातें जो है वो रिवील की गई हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला ध्यान रखना, ठीक है? कैसे कैसे क्या बताया गया है, ठीक है?
चलो भाई आगे बढ़ते हैं जरा। अब यहां से देखो, अब वो क्या एविडेंस है जिससे हम पता करें कि हां धरती पे इवोल्यूशन हुआ है तो कुछ इस तरीके से हुआ है। तो एविडेंस तो हमारे पास कई सारे हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन एविडेंस माना जाता है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस को। यह एक ऐसा एविडेंस है जो हम फॉसिल्स से पता कर लेते हैं। फॉसिल्स क्या होता है? पुराने जमाने की कुछ ऐसी लाइफ फॉर्म्स जो चट्टानों में दबी हुई थी, तो चट्टानों में उनका इंप्रेशन पड़ चुका है, चट्टानों में उनके निशान पड़ चुके हैं, वो चट्टानों की स्टडी कर भी पुराने जमाने में कौन सी लाइफ एग्जिस्ट करती थी वो सब देखा गया है। एक तो है इंप्रेशन, दूसरी चीज कभी कभी एग्जैक्ट लाइफ मिल जाती है, मतलब हड्डियां वगैरह उनकी मिल जाती हैं, जैसे डायनासोर्स की मिली हुई है। फॉसिल्स आर रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स फाउंड इन रॉक्स। जैसे हड्डियां हमारी हार्ड होती हैं, तो चट्टानों में उनके रिमेन्स देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पे इंपॉर्टेंट है, अगर फॉसिल्स का एज पता करना है कि ये फॉसिल्स कितनी साल पुरानी है, तो सबसे बेहतरीन जो मेथड है वो है रेडियो एक्टिव डेटिंग। रेडियो एक्टिव डेटिंग से हम फॉसिल्स की एज तक पता कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे पूछा जाएगा, कौन सा ऐसा चट्टान है जिसमें सबसे बेहतरीन तरीके से हम फॉसिल्स को देख पाएंगे? बोलेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स या सेडिमेंट्री लेयर्स कह सकते हो, ये पुराने जमाने की जो भी पुराने जमाने का जो भी लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट करता था वो सारा कुछ पता चल जाता है। क्योंकि सोच कर देखो ना तुम, जैसे हम जिस जमाने में रह रहे हैं, अगर मानकर चलते हैं हमारी अर्थ पे एक ऐसी त्रासदी आ जाएगी और पूरा का पूरा धरती खत्म हो जाएगा, तो क्या हम लोग कहीं ना कहीं दब चुके होंगे नीचे? ऐसे ही हमारे अर्थ पे कई बार ऐसा हुआ है जिसके कारण कई ऑर्गेनिज्म अंदर की तरफ दब चुके हैं। सोच कर देखो ना, 4 अरब साल पहले लाइफ आई थी और तब से लेकर कितनी बार मिट्टी ढकी है, कितनी बार बाढ़ आई है, कितनी बार सुनामी आई है, कितना बार कुछ कुछ आया है, और जितनी भी डेड बॉडीज हैं वो अंदर की तरफ दब चुकी हैं। तो एक बात बताओ, अगर बात करें तो ये वाला सबसे पुराना है, अगर तो आज का तो ये वाला सबसे नया है जिस पे हम चल रहे हैं। तो जैसे जैसे हम इसके अंदर चलते चले जाएंगे, क्या हमें पुरानी अर्थ से मुलाकात होने लगेगी कि पुराने जमाने में कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पे रहा करते होंगे? तो वही एनसीईआरटी ने कहा है कि हम पुराने पीरियड्स को, पुराने राज को और पुराने इपॉक को, ये सब टाइम पीरियड को डिफाइन करते हैं। जितने भी यहां पे टर्म्स लिखे गए हैं ना एनसीईआरटी में, इपॉक, पीरियड्स, एरा, ये सब टाइमलाइन को डिफाइन करने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं सेडिमेंट्री लेयर में जियोलॉजिकल पीरियड दिख सकते हैं। जब किसी भी चट्टान के तुम क्रॉस सेक्शन लोगे, तो कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि हमारी अर्थ की लॉन्ग हिस्ट्री जो रही है, उस पर कौन कौन से लाइफ फॉर्म्स हमारी अर्थ पे आई है। जैसे यहां का लाइफ फॉर्म अलग होगा, यहां का अलग होगा, यहां का अलग होगा, यहां का अलग होगा, तो यहां से सब कुछ पता चल जाता है डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स के बारे में। ठीक है, तो कब मरे थे, हु प्रोबेबली डाइड वगैरह सब पता चल जाता है। ठीक है, तो एक्सटिंक्ट ऑर्गन जैसे डायनासोर्स की अगर बात करें, तो कुछ ऐसे ही यहां पे पता लगा है। ठीक है, तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। ठीक है ना, ये बात हमें ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं जरा। अब कुछ एविडेंस और भी है, लेकिन मैंने कहा सबसे बेस्ट एविडेंस किसको मानते हैं? मेनली पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस को माना जाता है। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस किसने प्रपोज किया था? अर्नेस्ट हेकल ने प्रपोज किया था। अब ये चीज क्या है वो जरा समझना है। एम्ब्रियोनिक स्टेज सब लोग जानते हैं, अडल्ट स्टेज सब लोग जानते हैं। ठीक है, अब एक बात सुनो, एक बात तुमने सुना होगा कि जैसे जब हम अपने मदर के यूट्रस में होते हैं और जब हमारी लाइफ आगे की तरफ बढ़ रही होती है, तो जो इंसान का बच्चा 1 महीने का होगा, लगभग मछली का जो बच्चा है वैसे ही रिलेट करेगा। ये तुमने सुना होगा, ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स फिलोजेनी। कहीं ना कहीं हम पुराने अपने पूर्वजों को रिपीट करते हैं बर्थ के टाइम पे, तो कहीं ना कहीं लगभग देखने को सिमिलरिटी यहां पे देखने को मिलती है। हाँ, मैं ये कह सकता हूं अडल्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस है, तुम मछली की तरह थोड़ी दिखते हो, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी सिमिलरिटी जरूर थी। कुछ साइंटिस्ट हैं जैसे कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर, जिन्होंने इसको डिसप्रूव कर दिया। फिर से मैं कह रहा हूं, जो अर्नेस्ट हेकल ने प्रपोज किया था उसको डिसप्रूव करने का काम किसने किया है? कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर ने उसको क्या कर दिया? डिसप्रूव कर दिया। ठीक है,
उन्होंने कहा कि एम्ब्रियोज नेवर पास थ्रू द अडल्ट स्टेजेस ऑफ द अदर एनिमल्स, अडल्ट स्टेजेस में नहीं होते, जब भी होगा तो जो बेबी अगर एक महीने की है तो उससे वो चीज रिलेट कर पाएगी, अडल्ट से तो कोई नहीं कर पाएगा। तो इन्होंने वॉन बेयर ने रिजेक्ट कर दिया कि देखो तुम्हारी थियरी जो है ना वो बकवास है, अडल्ट में ये सब चीजें होती नहीं है, ये सब चीजें जो देखने को मिलेगी वो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में देखने को मिलती है। ठीक है, तो किसने दिया और किसने डिस्प्रूव किया ये चीजें यहां से पूछी जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर है, होमोलोगस ऑर्गेन और एनालोगस ऑर्गेन की बात करते हैं यहां पे। ठीक है, पहले तो ये टर्म समझते हैं, होमोलोगस ऑर्गेन क्या होता है और एनालोगस ऑर्गेन क्या होता है। होमोलोगस ऑर्गेन की बात करें तो जितने लोगों का तुम देखोगे कॉमन एंसेस्ट्री वो लगभग लगभग क्या है, सेम है। जैसे अगर मैं बात करता हूं सब यहां से निकले और कहीं दूर दूर फैलते चले गए, ये है डायवर्जेंट इवोल्यूशन। लेकिन सब लोग यहां पे आते चले गए तो इसको बोलते हैं कि ये कन्वर्जेंट है। तो बताओ पहला वाला डायवर्जेंट, दूसरा वाला कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शंस में चले गए डिफरेंट नीड्स की वजह से। ठीक है, तो ये चीज हो गया। सबके फंक्शन भी क्या है, बिल्कुल अलग अलग। लेकिन जो एनालॉगस ऑर्गन्स की हम बात करते हैं तो सब एक जगह पे आ गए, मतलब सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं सब, तो इसको क्या बोला जाएगा, कन्वर्जेंट। तुम तो एक ट्रिक याद रखो जो यहां पर काम की चीज याद रखनी है, एच डी ए सी मतलब एसी कमरे में बैठकर एचडी मूवी देख रहे हो, तुम ऐसे याद रख लो। ठीक है, एचडी मतलब होमोलोगस डाइवर्जेंट, एनालोगस कन्वर्जेंट, यहां से ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये होमोलोगस और एनालोगस। अब जरा एग्जाम्पल से समझो, जरा देखो यहां पर, पहले इस बात को समझना, थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया और टेंड्रिल्स ऑफ क्यूक्यूरबिटा, फोर लिम्स ऑफ वर्टेब्रेट्स, वर्टेब्रेट हार्ट्स और वर्टेब्रेट ब्रेन, ये जितने भी एग्जाम्पल हमारी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, एक बार एनसीईआरटी निकालो ना तो तुम्हें आइडिया लगेगा, एक बार एनसीईआरटी निकालो, एनसीईआरटी में सारे दे रखे, मैं पेज नंबर बता रहा हूं, एक सेकेंड। पेज नंबर 131, फिगर नंबर 7.3, एग्जांपल्स ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, मिल गया ये पेज। ठीक है, अब सुनो जरा, एक बात देखो, बोगेनविलिया स्टेम का मॉडिफिकेशन है, अगर थॉर्न्स की बात करें तो, टेंड्रिल्स ये भी स्टेम का मॉडिफिकेशन है, क्या दोनों स्टेम वाले में ही आ रहे हैं, क्या है, दो होमोलोगस है, सेम सेम वाले हैं। फोर लिम्स ऑफ वर्टेब्रेट्स, देखो ये मैन का रहा, पहला मैन का है, दूसरा चीता का है, तीसरा वेल का है, चौथा बैट का है। तुम इसमें जरा गौर से देखो, अभी हमने बात की थी होमोलोगस के बारे में, तो हमने कहा था फंक्शन सबके क्या है, डिफरेंट, इसको ऑब्जर्व भी कर सकते हो। तो इंसान का जो फोर लिम्स है, हमारे हाथ अलग पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं, चीता की अगर बात करें ये दौड़ने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, वेल की अगर बात करें ये पानी को काटने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, बैट की बात करें उड़ने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सब निकले एक जगह से हैं, ओरिजिन सबका लगभग एक है, लेकिन सब अडेप्ट कर चुके हैं अपने अलग अलग एनवायरमेंट में। आई बात समझ में? तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है यहां पे इसके बारे में। ठीक है, वर्टिब्रेट का हार्ट, वर्टिब्रेट का ब्रेन, ये सब सारी चीजें होमोलोगस में आती हैं। मैं तो सिंपल सी बात कह रहा हूं, तुमसे अगर एग्जामिनर पूछे एनालोगस और होमोलोगस कौन है, तुम तो ये बात समझना, अगर कॉर्डेटा कॉर्डेटा में है तो कह देना होमोलोगस है, मतलब अगर एक ही ग्रुप के आसपास में तुम्हें दिख जाना तो कह देना होमोलोगस है, अगर डिफरेंस नजर आ जाए तो कह देना क्या, एनालॉगस है। जैसे देखो ना, जरा समझो इस बात को, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, बर्ड्स कॉर्डेटा के मेंबर हैं, बटरफ्लाई आर्थ्रोपोडा मतलब नॉन कॉर्डेटा का मेंबर है, कह दो एनालॉगस है। ऑक्टोपस की आंखें और मैमल्स की आंखें, कह दो एनालॉगस है। पेंगुइन डॉल्फिन, स्वीट पोटैटो पोटैटो, देखो ना स्वीट पोटैटो रूट का मॉडिफिकेशन है, पोटैटो स्टेम का, कह दो एनालॉगस है। ये दोनों स्टेम स्टेम में थे तभी हमने कहा था कि ये क्या है, स्टेम स्टेम सेम है ना, होमोलोगस कह दो। तो तुम्हें ये ऑब्जर्व करना होगा, थोड़ा मॉर्फो और एनिमल किंगडम की अगर नॉलेज होगी तो आराम से नीट में क्वेश्चन निकल जाएंगे एनालॉगस होमोलोगस वाले, और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि जो एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं वहीं से क्वेश्चन आएंगे। आई बात समझ में? एक एनसीईआरटी में ना चार्ट है, एक एनसीईआरटी का चार्ट मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, पेज नंबर 134, पेज नंबर 134, फिगर नंबर 7.7,
उसमें प्लेसेंटल मैमल और एक तरफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स दे रखे हैं। ये सारे एग्जांपल्स एनालॉगस के हैं, नीचे में लिखा हुआ भी मिल जाएगा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, जैसे प्लेसेंटल वुल्फ, तस्मानियन वुल्फ, ये सब है ना, तो सारे एग्जांपल्स हमें ध्यान रखने हैं किसका कौन है। ठीक है, डायग्राम तो नहीं पूछेगा लेकिन मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आते हैं, जैसे कल हम लोग शाम में 4 बजे क्वेश्चंस करेंगे ना, तो उसमें ये चीजें तुमको देखने को मिलेंगी। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़े जरा नेक्स्ट। अरे तुम अपनी अटेंडेंस तो लगाओ, तुम अपनी अटेंडेंस भी नहीं लगाए अभी तक। नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर होमोलॉजी की एक बात चलती है, जैसे प्रोटीन की जब सिमिलरिटी देखने को मिलती है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से कि सेम वही प्रोटीन है, सेम वही जीन्स हैं लगभग, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कॉमन एंसेस्ट्री है। मैंने तुमको एक बात बताई थी कि मेरी डीएनए में जब जीन देखी जाएगी और तुम्हारी देखी जाएगी तो करीब करीब 99.9% का सिमिलरिटी मिलता है। अरे हम प्लांट से 95% जेनेटिक चीजों को कॉमन है हमारा और प्लांट का, तो ये सब बातों से पता लगा कि हाँ इवोल्यूशन कुछ इस तरीके से हुआ है और कहीं ना कहीं हम सबकी कॉमन एंसेस्ट्री रही है, मॉलिक्यूलर लेवल पे भी, प्रोटीन लेवल पे भी, जीन लेवल पे भी रही है, सब शेयर्ड हमने किया है सिमिलर एंसेस्ट्री। तो बायोकेमिकल सिमिलरिटी भी एक तरीका है, तो ये भी एक एविडेंस के तौर पे हो सकता है। अभी तक हमने 3 एविडेंस देखे हैं, पहला पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस जिसमें हम फॉसिल्स की बात करते हैं, अ स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज नोन एज पैलेंटोलॉजी, दूसरा होमोलोगस और एनालोगस, ट्रिक बताओ मुझे होमोलोगस एनालोगस डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट का, और मॉलिक्यूलर होमोलॉजी हमने यहां पे देखा। ठीक है, तो जल्दी से ट्रिक बताओ, ट्रिक तो बस वही याद रखनी है, HDAC, है ना, समझ गए। तो इसमें याद क्या रखना है, इसमें एंट ईटर, इधर नंबैट, इधर लीमर, इधर स्पॉटेड कसकस, इधर बॉब कैट, इधर तस्मानियन टाइगर कैट, है ना, तो मैच द फॉलोइंग में, ये बिल्कुल याद कर लेना आज। ठीक है, डायग्राम भी देखना है और प्लस साथ में नाम जरूरी है कि एंट ईटर को किसके साथ करोगे, तो नंबैट के साथ, एग्जाम में एंट ईटर नहीं देगा यहां पे, एंट ईटर, नंबैट, लीमर, स्पॉटेड कसकस, बॉब कैट, तस्मानियन टाइगर कैट, इस तरीके से। ठीक है ना, तो ये बस ध्यान रखनी है तुम्हें। क्वेश्चंस कल शाम को 4 बजे स्पेशल क्लास में होगी, टेलीग्राम चैनल बिट्स फॉर बायोलॉजी है, उस पर लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आगे सुनो, अब बात आती है अडैप्टिव रेडिएशन के बारे में, कि अडैप्टिव रेडिएशन क्या है। ठीक है, सुनो, एक पॉइंट है और यहां से लोग चलते चले गए दुनिया के अलग अलग हैबिटेट में फैलते चले गए, और जिसको जैसा इन्वायरमेंट सूट किया और उस अकॉर्डिंग अपने इन्वायरमेंट में वो बिल्कुल एडजस्ट कर लिए, ये चीज को हम अडैप्टिव रेडिएशन बोलते हैं। लोग रेडिएट करते चले गए और अपने अपने जगह पे उन्होंने अपने लाइफ को बसाना चालू कर दिया। द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड लिटरली रेडिएटिंग टू अदर एरियाज ऑफ ज्योग्राफी। जैसे डार्विन फिंचेस का नाम तुमने खूब सुना होगा, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है जिसपे बहुत सारे गैलापागोस आइलैंड पे जो डार्विन ने फिंचेस ऑब्जर्व की थी, जो बर्ड्स की ये बीक ऑब्जर्व की थी कि बर्ड्स क्या क्या खा रही है, उस बेसिस पे देखा कि सबकी बीक की वैरायटी बिल्कुल अलग अलग है। कोई इंसेक्ट खा रही है तो उसका बीक अलग हो गया, जो चोच है आगे का, कोई अगर वेजिटेरियन है उसका बीक अलग हो गया। तो ये सब डार्विन ने गैलापागोस आइलैंड पे देखा था। सारे के सारे पूछेंगे कहां से इवॉल्व हुए, स्टार्टिंग में तो सीड खाया करते थे, बाद में इंसेक्ट खाना चालू कर दिया, अलग अलग चीजों को चालू कर दिया। ठीक है, ये छोटे छोटे ब्लैक कलर के जनरली बर्ड्स होते हैं। एनसीईआरटी में जो तुम डायग्राम देखोगे तो उसमें ब्लैक का तुमको देखने को मिलेगा, यहां उतना ब्लैक लग नहीं रहे हैं ये, लेकिन एनसीईआरटी के जो डायग्राम उसमें ब्लैक कलर के दिखते हैं। आगे ऑस्ट्रेलिया से देखो, कई लोगों का मार्सुपियल रेडिएशन हुआ है। ठीक है, देखो जैसे तस्मानियन वुल्फ, टाइगर कैट, बैंडेड एंड ईटर, मार्सुपियल रैट, कंगारू, बॉम्बैट, बंडीकूट, कोआला, मार्सुपियल मोल, सुगर ग्लाइडर, ये सब कहीं ना कहीं इस तरीके से मार्सुपियल रेडिएशन हुआ है। एनसीईआरटी पेज नंबर 133 पे ये डायग्राम तुमको देखने को मिलेगा। और कभी भी एक बात पूछे कि जो अडैप्टिव रेडिएशन है ये किससे रिलेट करोगे, तो होमोलोगस से रिलेट करना, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन से रिलेट करना, क्योंकि ये भी बिल्कुल कुछ वैसा ही है। अब
आगे की तरफ सुनना जरा, when more than, अब आगे की तरफ चीज को सुनना, when more than one adaptive radiation appear to have occurred in an isolated geographical area representing different habitat, तो क्या बोला जाएगा? Convergent evolution. Convergent कब बोलते हैं? ये condition है convergent का. और जब एक जगह से diverge हुए तो वो एक अलग condition है. अब placental mammal और Australian marsupial के example याद रखने हैं हमें. Mole का marsupial, mole anteater numbat, जो भी तुमको बताया, ये same वही है, diagram इसमें नहीं है, बस वही ध्यान रखना है. ठीक है, आगे की तरफ सुनो. मेटाबॉलिक कैपेबिलिटीज की अगर बात करें, अलग अलग दुनिया के जितने भी सेलुलर फॉर्म्स हैं, तो एक बात आती है नेचुरल सिलेक्शन की. क्या इस दुनिया में वही सरवाइव कर पाएगा जो अडेप्ट कर चुका है इस एनवायरमेंट में? अगर हम इस एनवायरमेंट में अडेप्ट नहीं कर पाएंगे तो हमारा सफाया हो गया होगा इस दुनिया से, सफाया हो गया होता इस दुनिया से अगर हम इसमें अडेप्ट नहीं कर पाते तो. मतलब नेचर जिसे सेलेक्ट करेगी वही कहीं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन को सपोर्ट करने का या कंट्रीब्यूट करने का काम करेगा. अगर हम नहीं सेलेक्ट हो पाए तो खत्म. ठीक है, नेक्स्ट. रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म्स इज लिंक्ड टू द लाइफ साइकिल और द लाइफ स्पैन. इस चीज को समझो ना, बड़ी सिंपल सी चीज है. जैसे एक बैक्टीरिया है वो 20 मिनट में नए लाइफ को क्रिएट कर पाता है, तो बोल सकते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस जो बैक्टीरिया का है उनके लाइफ स्पैन से जुड़ा है. उनकी लाइफ स्पैन कम है तो अपीयरेंस बहुत ज्यादा है. हमारी लाइफ स्पैन 70 साल की है करीब करीब, तो हमारा रेट ऑफ अपीयरेंस कम है. जैसे माइक्रोब्स की बात करें, उनकी एबिलिटी कितनी तेजी से मल्टीप्लाई करने की है, एक घंटे में वो मिलियंस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं. वही मछलियों की बात करो या किसी भी बात करो तुम, लगभग उसमें कहते हैं कि सालों लग जाते हैं, क्योंकि लाइफ स्पैन सालों होता है ना. तो मतलब तुम कह सकते हो जो इनमें घंटों में हो रहा है वो इनमें सालों में चलेगा, लाखों सालों में ये चीज देखने को मिलेगा कि मिलियंस नंबर मछलियों के कब हुए. तो ओवरऑल ये वाली पॉइंट एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट है कि रेट ऑफ अपीयरेंस जो है ना वो कई सारी बातों पे डिपेंड करती है. मतलब कोई एक स्पेशल फैक्टर नहीं है जिस पे सारी चीजें डिपेंड करेगा, है ना. तो ये चीज ध्यान रखना. आगे लैमार्क, ये तो बैक की बैक की बातें करते थे. फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे लैमार्क, लैमार्किज्म इनकी थियरी चलती है. इनके मेन पोस्टुलेट्स क्या थे वो सुनो जरा. यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गेन, इनका कहना था कि जिस ऑर्गेन का हम ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उसमें साइज तो बढ़ती है प्लस उसका स्ट्रेंथ भी बढ़ता है. इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स देख लिए थे. उन्होंने ब्लैक स्मिथ को देखा था, जो लोहार होते हैं जो हथौड़े का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लोहे पे मारते हैं, तो उनका बाइसेप ट्राइसेप्स ऑलरेडी डेवलप्ड होता है ना. तुमने देखा होगा ब्लैक स्मिथ का कभी, तो उनको देखकर इन्होंने थियरी प्रपोज कर दिया यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, कि जिसका यूज करोगे वो तो चलता चला जाएगा इवोल्यूशन में, और जिसका इस्तेमाल नहीं करोगे वो डिसयूज हो जाएगा या डिसयूज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. कई लोगों ने एग्जांपल में कह भी दिया वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कि यूज में नहीं आ रहा है. तो आप किसी एक एग्जांपल को देकर थियरी नहीं बना सकते ना, काफी सारे उसमें एग्जांपल्स आएंगे. एक एग्जांपल आए और लाखों एक्सेप्शन आ जाए तो क्या फायदा उस थियरी का. इन्होंने कहा देखो, जो जिंदगी में हम कैरेक्टर्स अक्वायर करते हैं ना वो बच्चों में भी जाते हैं. अगर हमें एनसीईआरटी पूरा याद है तो जो बच्चा पैदा होगा उसे भी पूरी एनसीईआरटी याद होगी, ऐसा कहना था लैमार्क का. अगर हम एक डॉक्टर हैं तो जो बच्चा होगा वो ऑलरेडी बिल्कुल डॉक्टर वाले सारे कैरेक्टर्स उसमें देखने को मिलेगा. ऐसी बहकी बहकी बातें करते थे लैमार्क. बहुत झेला लैमार्क ने, है ना. जीते जी बहुत सारी थियरी रिजेक्ट हुई है लैमार्क की. एग्जाम्पल की बात जरा देखें, जिराफ जिसके लॉन्ग नेक होते हैं, तो कहा गया कि जिराफ के लंबे गर्दन इसलिए होते हैं क्योंकि पहले पेड़ की साइज छोटी छोटी हुआ करती थी. पेड़ की साइज जैसे जैसे बढ़ती रही, इन्होंने अपने नेक को स्ट्रेच किया, और नेक को स्ट्रेच करते 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 इनकी गर्दन बहुत ज्यादा लंबी हो गई. ऐसी बहकी बहकी बातें देख रहे हो. तो आत्मा, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, लैमार्क की. डार्विन की जो थियरी है ना, अब एनसीईआरटी आई है. देखो अब मैं कहां पे लाया हूं एनसीईआरटी को, देखो पेज नंबर अब चलेगी बात कहां से, 128 में एक हेडिंग है इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स अ थियरी. यहां से अब बात स्टार्ट होती है डार्विन की, जहां पे है ना थियरी ऑफ अ स्पेशल क्रिएशन, 4000 साल पुरानी है धरती, वो वाली बात जो लिखी है उसके नीचे से बात हम लोग कर रहे हैं. डार्विन बहुत घुमक्कड़ टाइप के थे. डार्विन ने गैलापागोस आइलैंड घूमा था.
इनके एक जहाज है जिसका नाम एनसीईआरटी में भी है, एचएमएस बीगल। इस जहाज पे इन्होंने दुनिया घूमा था और उसी दुनिया घूमने के क्रम में ये पहुंच चुके थे गैलापागोस आइलैंड पे। डार्विन ने वहां बहुत चीजों को ऑब्जर्व किया और डार्विन किसके काम से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए, थॉमस मैल्थस। इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखना है। जो चार्ल्स डार्विन का ऑब्जर्वेशन था क्या था, वो एग्जिस्टिंग लिविंग फॉर्म शेयर सिमिलिटी टू वेरिंग डिग्रीज नॉट ओनली अमंग देमसेल्स बट ऑल्सो विद लाइफ फॉर्म्स दैट एग्जिस्टेड मिलियंस ऑफ ईयर अगो। जो आज हम बात समझते हैं कि मुझ में और तुम में सिमिलरिटी है, तुम्हारे में भी मेन जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है, मेरे में भी वही डीएनए है, लेकिन तुम्हारे डीएनए मेरे डीएनए 100% सेम नहीं है, कुछ डिग्री में वेरिएशन है। ये बातें द लिविंग वर्ल्ड में एनसीईआरटी ने लिखी हैं। मैं लाइन बोलता हूं, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर ऑल आर लिंक्ड टुगेदर बाय द शेयरिंग ऑफ कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्रीज। फर्क है, भले वो 0.1% का फर्क हो, फर्क तो है। ये बहुत ही प्यारी सी लाइन है कि जो हमारी अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री रही है, आप जमीन के अर्थ क्रस्ट में जब जाओगे वो जियोलॉजिकल हिस्ट्री जो है हमारी अर्थ की, वो बायोलॉजिकल हिस्ट्री से कहीं ना कहीं कोरिलेट करती है। और ये बात सच भी है, जैसे आज चल रहा है 21st century चल रहा है, तो हमारी अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री अलग है। जब हम 1st century की अर्थ को नीचे जाकर देखेंगे तो पता लगेगा, उस समय की बायोलॉजिकल हिस्ट्री पता लग जाएगी हमें। तो आज के अकॉर्डिंग हमारी ये चल रही है हिस्ट्री, और उस अकॉर्डिंग चले हम 1st century में तो बिल्कुल अलग ही चीज देखने को मिलेगी। थॉमस मैल्थस के काम से डार्विन काफी ज्यादा प्रभावित हुए। इनका क्या कहना था कि पॉपुलेशन बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है, ठीक है, रिसोर्सेस हमारे अर्थ पे लिमिटेड हैं, नेचर जो है हमेशा पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी चीजें करती हैं। जैसे मैल्थस का कहना था कि जो हमारी अर्थ पे भूकंप आती है वो अच्छी चीज है, सुनामी आती है अच्छी चीज है, अर्थक्वेक आती है अच्छी चीज है, इससे पॉपुलेशन तो कंट्रोल हो रहा है। तो ये सब बातें मैल्थस किया करते थे, ठीक है। तो ये सब चीजें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमें ध्यान रखना है। पेज नंबर कितने पे है, 129 पे तुम्हें ये सब बातें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। 129 में एक हेडिंग है, व्हाट आर द एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन। उसके लास्ट के थर्ड लाइन में तुम्हें देखने को मिलेगा, द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ क्लोजली कोरिलेट्स विद द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ, है ना। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। डार्विन के भी कुछ पोस्टुलेट्स थे। डार्विन का क्या कहना था, अकॉर्डिंग टू डार्विन वेरिएशन छोटे छोटे होते हैं, वेरिएशन एक डायरेक्शन में चलते हैं और बिल्कुल ग्रेजुअल होते हैं। जो चेंजेस होती हैं, जो वेरिएशंस क्रिएट होती हैं, इनका कहना था कि बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत ही धीरे धीरे ये चीज होती है। वेरिएशन की जो बात है वो कहते थे हेरिटेबल है, बिल्कुल आज भी बात ये सही बैठती है कि जो वेरिएशन आता है, जिसकी वजह से म्यूटेशन आता है। एक लाइन तुमने सुनी होगी कभी ना कभी कि वेरिएशंस आर दी रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन, अगर वेरिएशन ना हो तो इवोल्यूशन भी नहीं हो पाएगा। अरे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट हैं, हम में गैमेट्स बनाने के लिए मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट के पेकाइटीन में क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर की वजह से वेरिएशन क्रिएट होता है, जब दो होमोलोगस क्रोमोजोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के साथ जब ये चलती हैं क्रॉसिंग ओवर, तो वहां पे वेरिएशन क्रिएट होता है और वेरिएशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाती है। और जो भी हम प्रोजेनी इस दुनिया में छोड़कर जाएंगे उसमें वेरिएशन देखने को मिलेगा, और वेरिएशन जरूरी भी है। अगर वेरिएशन नहीं हो तो हम टॉलरेट नहीं कर पाएंगे इस अर्थ की इतने सरकमस्टांसेस को। तो अगर ये वेरिएशन आती है जिसके चलते हम नेचुरल कंडीशन में बेटर सर्वाइव कर सके, अपने क्लाइमेट फूड और फिजिकल फैक्टर सबको अच्छे से टॉलरेट कर पाए हम, क्योंकि क्लाइमेट है चेंज होता रहता है तो उस अकॉर्डिंग वेरिएशन भी आती रहती है, तो सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है ये चीज। याद रखें डार्विन ने अपनी पूरी जिंदगी बार बार अपने चीजों में फिटनेस टर्म का यूज किया है। हम इस डार्विन की फिटनेस को डार्विनियन फिटनेस भी कहते हैं। डार्विन का कहना था कि इस दुनिया में वही लोग सर्वाइव कर पाएंगे, वही लोग रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, वही लोग अपनी प्रोजेनी इस दुनिया में छोड़कर जाएंगे जो रिप्रोडक्टिव लेवल पे फिटनेस हो। डार्विन ने फिटनेस की बात की है, जिम में डोले सोले बनाने की नहीं, ये रिप्रोडक्टिव फिटनेस की बात कर रहे हैं, मतलब हाई आर वैल्यू की बात कर रहे हैं।
हाई आर वैल्यू की बात कर रहे हैं, मतलब जो अपने प्रोजेनी, जो अपने ऑफस्प्रिंग से इस दुनिया में छोड़कर जाएगा, तो अल्टीमेटली बोला जा रहा है कि चांसेस वही हैं कि सर्वाइवल भी उन्हीं का होगा इस दुनिया में। और जो हम अडेप्ट कर चुके हैं इस दुनिया में जिस तरीके से, वो एक जेनेटिक बेसिस है। जैसे एक सिंपल सा मैं एग्जाम्पल तुमको बताता हूं, जैसे डेजर्ट लिजार्ड है, इकोलॉजी में हमने पढ़ा है कि जो डेजर्ट लिजार्ड है वो कैसे बिहेवियरल एडेप्टेशन करते हुए अपनी जिंदगी जी रही है रेगिस्तान में, ये उनके बच्चों में भी देखने को मिलता है। मतलब जो उन्होंने इस दुनिया में अडेप्ट किया वो चीज उनके बच्चों में भी देखने को मिलता है। कैक्टस का अगर बच्चा होगा उसमें कैम साइकिल चलेगी या नहीं चलेगी, उनके एस्टोमेटा रात को खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, उनमें पानी का कंजर्वेशन के लिए कांटे आएंगे या नहीं आएंगे, ये सब कहीं ना कहीं जेनेटिक बेसिस पे है। और मैंने तुमसे लाइन भी पूछी थी, क्या जितने भी अडेप्टेशन होते हैं सारे के सारे जेनेटिकली फिक्स्ड होते हैं क्या? नहीं, एनसीईआरटी कहती है मेनी अडेप्टेशन आर जेनेटिकली फिक्स्ड। तो अडेप्टिव एबिलिटी की बात थी, बार बार फिटनेस की बातें है ना, तो नेचर उन्हें ही सेलेक्ट करती है जो अपने एनवायरमेंट में सबसे अच्छे तरीके से अडेप्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो ये बातें यहां पर। अब डार्विन की थियरी के कभी भी पूछे जाए ना, दो कॉन्सेप्ट क्या क्या हैं, पहले तो अंडरलाइन करो, इतना शानदार लाइन है ये एनसीईआरटी का, कुछ बच्चे ही इसको देख पाते हैं कहां पे लाइन लिखी हुई है। पेज नंबर 134 सबसे लास्ट के लाइनों में आ जाओ, ब्लैक में हाईलाइटेड है, ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन आर द टू की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विनियन थियरी ऑफ इवोल्यूशन। उसी के नीचे लैमार्क की सारी बेइज्जती की गई है, और उसी के ऊपर में लाइन है फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ एबिलिटी टू अडैप्ट एंड गेट सिलेक्टेड बाय नेचर, और उसी के ऊपर की लाइन है अडैप्टिव एबिलिटी इज इनहेरिटेड, है ना। तो ये चीज यहां पे ध्यान रखना है। अब मानकर चलो हैबिटेट किसी का था, वो टुकड़ों टुकड़ों में टूट गया, तुम्हें मालूम होगा कि हमारी अर्थ स्टार्टिंग में पैंजिया नाम सुना होगा, फिर धीरे धीरे क्या हुआ ना, बंटवारा होने लगा इस दुनिया का, लोगों ने बंटवारा नहीं किया, ये चीजें नेचुरल बेसिस पे बंटवारा होने लगा, तो कुछ स्पीसीज यहां चले गए, कुछ यहां चले गए, कुछ यहां चले गए, कुछ यहां चले गए, इसके कारण नया नया स्पीसीज का इवोल्यूशन हुआ जिसको बोलते हैं स्पेशिएशन। जेनेटिक ड्रिफ्ट जब भी होगा स्मॉल पॉपुलेशन में या लार्ज पॉपुलेशन, याद रखें जेनेटिक ड्रिफ्ट जब भी होती है तो ये स्मॉल पॉपुलेशन में ही ऑपरेट होती है। डार्विन की वीकनेस क्या थी, डार्विन ये तो बताते रह गए कि वेरिएशन बहुत ही छोटी होती है, वेरिएशन बहुत ही धीरे धीरे होती है, वेरिएशन इनहेरिटेबल होती है, लेकिन डार्विन से बार बार पूरी जिंदगी भर उनसे पूछा गया कि बताओ ये वेरिएशन होती कैसे है, ये वेरिएशन आती कैसे है, डार्विन ने कभी इस बात को नहीं बताया। अगली बात, डार्विन कभी नहीं ये बता पाए कि कोई स्पीसीज इस दुनिया में आती कैसे है, कुड नॉट एक्सप्लेन स्पेशिएशन, नए नए स्पीसीज का कैसे इवोल्यूशन होता है, ये बातें कभी भी डार्विन ने बताई नहीं थी। और डार्विन ने तो इग्नोर किया था कि मेंडल ने जो भी किया फालतू बकवास है, कह दो तो मेंडल डार्विन के ही कारण फ्लॉप हो गए। मेंडल ने जो अपने जीते जी कर दिया था, लोगों को बाद में पता चला, लोगों को जब वो बताते थे मेंडल अपनी काम, तो लोगों का कहना था क्या मैथमेटिक्स लगा चुके हो बॉटनी में, हाँ बैकी बातें करते थे मेंडल, लोगों को लगता था ऐसा, लेकिन सोचकर देखो उस जमाने में ना कोई माइक्रोस्कोप हुआ करता था, ना उस जमाने में कोई जीन लेवल की बातें करता था, ना क्रोमोजोम लेवल की बातें करता था, सोचकर देखो ना डार्विन के जमाने में कहां बात चलती थी क्रोमोजोम और जीन और डीएनए लेवल की, उस लेवल तक की बात मेंडल उस जमाने में कर गया जब क्रोमोजोम तक के बारे में लोगों को पता सही से नहीं था, लोगों ने तो देखा ही नहीं था कि जीन सही से होती क्या चीज है, वो तो फैक्टर बोला करते थे। तो मेंडल के काम इग्नोर्ड वर्क डन बाय मेंडल, ये सब डार्विन की वीकनेस रही है। आगे चले, एक बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है, नाम क्या है, म्यूटेशन थियरी, नाम क्या है, म्यूटेशन थियरी, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले एग्जाम में ये पूछा जाएगा ना कि म्यूटेशन थियरी दिया किसने था, बोलेंगे ह्यूगो डिवेरिस, म्यूटेशन थियरी पे काम किसने किया था, तो ह्यूगो डिवेरिस ने, किस पे काम किया गया था, तो बोलेंगे इवनिंग प्राइमरोज, इसका साइंटिफिक नेम लिखें इनोथेरा लैमार्कियाना, ये मिलेगा तुम्हें पेज नंबर, एक सेकंड एनसीईआरटी निकालो, पेज नंबर 135 एक हेडिंग मिलेगी तुम्हें मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, उसमें ही मिलेगा ये चीज। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दे जरा,
ये फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी वगैरह में सब बातें बताई गई। आगे सुनो जरा, जो नए स्पीसीज हैं, ध्यान देंगे जरा, जो नए स्पीसीज हैं वो म्यूटेशन की वजह से इस दुनिया में आए हैं। म्यूटेशन को कहा गया है फॉल्टेशन, जो बहुत बड़ी होती है। देखो जब वेरिएशन बहुत बड़ा हो जाए ना, तब आती है म्यूटेशन, जिस तुमने सुना होगा पॉइंट म्यूटेशन, है बहुत छोटी सी चीज, एक नाइट्रोजन बेस के चेंज हुए हैं बस, उसी से ऑर्गेनिज्म की हीमोग्लोबिन नॉर्मल से अब नॉर्मल हो जाती है सिकल सेल की। इन्होंने, इनका कहना था कि जो भी म्यूटेशन होती है वो बिल्कुल रैंडम होती है, बिल्कुल डायरेक्शन लेस होती है। थोड़ी सी अगर बात तुम्हें याद हो तो मेंडल का, डार्विन कहा करते थे कि चीजें डायरेक्शनल होती हैं, और इनका कहना था डायरेक्शन लेस होती हैं, है ना। तो अचानक से पॉपुलेशन में म्यूटेशन आता है, ये तो बात तुम आज भी जानते हो कि सडन इनहेरिटेबल चेंजेस जो आज इवोल्यूशन में होती हैं वो हम उन्हें म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये बातें जो है ना याद रखनी है तुम्हें म्यूटेशन थियरी के बारे में। अल्फ्रेड वॉलेस जो कि एक नेचुरलिस्ट थे, नेचर को स्टडी किया करते थे, ये मलाई आर्किपेलेगो में काम किया करते थे, और वो भी उसी कंक्लूजन पे आए थे जिस कंक्लूजन पे डार्विन आए थे उसी टाइम पे। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि चार्ल्स डार्विन जिस कंक्लूजन पे आए थे, उस कंक्लूजन पे उस टाइम के कौन से नेचुरलिस्ट काम पे कंक्लूजन पे आए थे, तो बोलेंगे अल्फ्रेड वॉलेस। मलाई आर्किपेलेगो में ये बात करते हैं। आगे सुने, जब हम इस दुनिया की स्टोरी की बात करते हैं तो हम समझते हैं कि इवोल्यूशन तो एक प्रोसेस चला है, इवोल्यूशन एक लंबा सा प्रोसेस चलता आया है, और इवोल्यूशन किसकी वजह से आया है, तो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से आया है। ये सब बातें लिखी हुई हैं पेज नंबर 135 सेकंड पैराग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट सी लाइनें मिलेंगी तुमको देखने को, पढ़ो उस पैराग्राफ को। इज इवोल्यूशन अ प्रोसेस और द रिजल्ट ऑफ प्रोसेस, है ना, वो सब बातें लिखी हुई है। तो इवोल्यूशन को हम प्रोसेस अगर मानते हैं तो कहीं ना कहीं नेचुरल सिलेक्शन की वजह से ये काम चला है। इवोल्यूशन इज नॉट अ डायरेक्टेड प्रोसेस, एक डायरेक्शन में चलने वाली प्रोसेस नहीं है, ये तो एक स्टोकेस्टिक प्रोसेस है, मतलब ये प्रोबेबिलिटी पे चलती है कि कभी किसी ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन हो जाए कभी ना हो। तो स्टोकेस्टिक प्रोसेस का मतलब होता है एक चांस इवेंट, तुक्के से। तो जो इवोल्यूशन होती है ना कहीं तुक्के से। तो लोगों का ये मानना भी है जो अच्छे इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट रहे हैं कि हमारा इस वक्त में इस धरती पर रहना कहीं ना कहीं एक तुक्का है, कहीं ना कहीं एक चांस इवेंट है जिसके कारण आज हम यहां पे सरवाइव कर रहे हैं, और कई सारे ऑर्गेनिज्म हैं इस दुनिया से निपट चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं चांस इवेंट होता है, एक स्टोकेस्टिक प्रोसेस होता है, एक ऐसा नहीं कि एक डायरेक्शन में चलना था और हमें इस जगह पे पहुंचना ही था, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो एक थियरी ये भी कहती है, लोगों का ऐसा भी मानना है कि आज हम जो भी कुछ काम करते हैं वो कहीं ना कहीं नेचर हमसे करवा रही है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचने के लिए। तो जब ये तो मॉडर्न इवोल्यूशन की बात है, ये अलग अलग लोगों का कहना है जो आज प्रेजेंट टाइम पे हैं, तो अलग अलग लोगों का अलग अलग राय है इसमें। लेकिन जो आज हम लोगों ने पढ़ा है कि इवोल्यूशन हमारे अर्थ पे कैसे हुआ, जो एनसीईआरटी ने बात बताई है, वो रियलिस्टिक बातें हैं, वो कहीं ना कहीं सारी बातें प्रूफ के अकॉर्डिंग ये सब बातें हैं। आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहते हैं कि जिसे करने में नेचर को लाखों करोड़ों साल लग जाते, इंसानों ने वो कुछ सालों में ही कर दिखाया है। जैसे डॉग के हमने इतने अच्छे अच्छे ब्रीड तैयार कर लिए, जैसे आर्मी में भी डॉग का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा नहीं है कि नेचर उन्हें क्रिएट नहीं कर पाती, लेकिन नेचर को क्रिएट करने में लाखों साल लग जाते, लेकिन ये सब इंसानों ने ब्रीड्स तैयार कर लिया है। आई बात समझ में? कई सारे ब्रीडिंग प्रोग्राम हैं जिसकी मदद से इंसानों ने कुछ ऐसा कर दिखाया, जैसे ब्रोकली इंसानों ने क्रिएट करवाया है। ब्रोकली है, कोलराबी है, कैबेज के बड़े सारे वैरायटी देखने को मिलते हैं, कैबेज कॉलीफ्लावर जैसे। तो ये सब सारा आर्टिफिशियल सिलेक्शन का देन है। तो दो तरह की सिलेक्शन होती है। तो बोलेंगे जो हमारी अर्थ पे हुआ है वो तो नेचुरल सिलेक्शन वाली चीज है, बिल्कुल तुक्के वाली बात है, और जो हमने किया है वो तो आर्टिफिशियल वाली बात है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। आगे अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, मतलब इंसानों से रिलेटेड जो चीजें एग्जांपल हैं, तीन एग्जांपल हैं जो बोलेंगे कि इंसानों से रिलेटेड है, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन के कारण ऐसा हुआ है, इंसानों की एक्टिविटीज के कारण ऐसा कुछ हुआ है। पहला, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट माइक्रोब्स, हर्बिसाइड रेसिस्टेंट वेराइटीज और पेस्टिसाइड रेसिस्टेंट वेराइटी। खेतों में जब हम पेस्टिसाइड डालते हैं, कुछ ऐसी भी वेराइटीज हैं जो रेसिस्ट हो चुकी है,
हर्बिसाइड डालते हैं, लेकिन कुछ ऐसी वैरायटी है जिन पे असर नहीं पड़ता, वो हर्बिसाइड रेसिस्टेंट बन चुके हैं। ऐसी तुम देखते हो कि घर में ऑल आउट जलाए हुए, कुछ मच्छर मरते ही नहीं है, ऑल आउट रेसिस्टेंट है वो, जब तक उन्हें हाथ से मारा ना जाए तब तक मरते नहीं है। तो ये सब रेसिस्टेंट वैरायटी है। जैसे अगर मैं बात करूं सिकल सेल एनीमिया वालों को, ये रेसिस्टेंट होते हैं मलेरिया से। अफ्रीका के लोगों में ये चीजें देखने को मिलती हैं। द केस ऑफ इंडस्ट्रियल मेलानिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंग्लैंड की कहानी है, इंग्लैंड में मौत की पॉपुलेशन की कहानी है। जरा अच्छे से समझना नेचर कैसे सेलेक्ट करती है चीजों को। ये जो डायग्राम हमारी एनसीईआरटी में है, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के पुराने दौर की कहानी है, 1850 के पहले की कहानी है, जिस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, कोई पॉल्यूशन नहीं था, कुछ भी नहीं था। और 1920s की बात है, या आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जब उस जगह पे पॉल्यूशन इंग्लैंड में काफी फैल चुका था। दो तरीके के मौत दिख रहे होंगे तुम्हें, मौत नहीं मौत है ना, कीड़े का नाम है। एक तुम्हें ब्लैक कलर का दिख रहा है और एक तुम्हें व्हाइट कलर का दिख रहा है, मतलब ये डार्क है और ये व्हाइट है। एक बात जल्दी से बताओ, जब पॉल्यूशन नहीं हुआ था, इस जगह पे पूरा साफ सुथरा एनवायरनमेंट था, बहुत ही क्लीन एनवायरनमेंट था, क्योंकि कोई पॉल्यूशन नहीं था यहां पे। लाइकेन भी ग्रो करते थे मजे में, क्योंकि लाइकेन डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज। तो 1850 के जमाने में कोई पॉल्यूशन भी नहीं था इंग्लैंड में, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई नहीं थी। जो पेड़ के स्टेन थे, ट्रंक्स थे, वो बिल्कुल व्हाइट कवर्ड बाई लाइकेन। वहां पे कौन से कीड़े मिलते थे? व्हाइट वाले मिल जाते थे। ऐसा क्यों कह रही है एनसीईआरटी? ध्यान दे जरा, अगर पहले पॉल्यूशन नहीं है, मतलब सफेदी ही सफेदी है। अगर सफेद जगह पे कोई सफेद है, वो जल्दी नहीं दिख पाएगा। लेकिन सफेद जगह पे अगर कोई ब्लैक चीज है, अगर तुम्हारे कमरे का पेंट अगर व्हाइट कलर का है, अगर उस पर ब्लैक दाग कहीं मिल जाए, या तुम्हारे पैरों के निशान कहीं मिल जाए, या हाथ के निशान कहीं मिल जाए, फिर मम्मी का एक्शन तुम देखते हो। कुछ ऐसा ही यहां पे एक्शन दिखाने का काम कौन करता है? जो मौत को खाने वाला प्रिडेटर है, उड़ा देता है, क्योंकि व्हाइट पे ब्लैक तो बहुत अच्छे से पता चल रहा है। तो बताओ, इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले किसके बचने के चांसेस बहुत ज्यादा थे? व्हाइट वाले के। ब्लैक वाला मारा जाता था, क्योंकि व्हाइट पे ब्लैक बड़े अच्छे से दिखाई दे देता है। मर तो जाता था, लेकिन इसने बहुत बद्दुआएं दी थी कि चलो आज मैं मर रहा हूं, देखना इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद क्या होगा तुम्हारा, व्हाइट वाला, है ना। तो ये व्हाइट वाले को बहुत ज्यादा बद्दुआ दिया करता था। 1920 में देखो खेल ही पलट गया पूरा। 1920s में जो मौत हुआ करते थे, उनकी मौतें नहीं होती थी, मौतें होती थी व्हाइट वाले की, क्योंकि अब ब्लैक हो चुका है पूरा पॉल्यूशन की वजह से, तो ब्लैक में व्हाइट बड़े अच्छे से दिख जाता है। तो इसका ये तो निपट जाता था, है ना, क्योंकि बहुत डार्क हो चुका था, सूट से, स्मोक से, ये सबसे, डिपोजिशन से पूरा हो चुका था। तो व्हाइट मौत इस समय ज्यादा, इस समय कम। मेलानाइज्ड मौत मतलब डार्क मौत, इस समय लेस, इस समय मोर। प्रीडेटर्स इस समय किसको खाते थे? मेलानाइज को, डार्क वाले को, क्योंकि व्हाइट बैकग्राउंड था, और यहां पे व्हाइट वाले को खाते थे क्योंकि ब्लैक बैकग्राउंड था। ये पूरी कहानी एनसीईआरटी ने अपने लिखी है, पेज नंबर मैं बता देता हूं, ये पूरी कहानी एनसीईआरटी ने लिखी है पेज नंबर 131 के लास्ट पैराग्राफ से। अनदर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन सपोर्टिंग एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन कम्स फ्रॉम इंग्लैंड इन अ कलेक्शन ऑफ मॉथ्स मेड इन 1850। ये पूरी कहानी खत्म होती है 132 के फर्स्ट पैराग्राफ पे। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे देखो, ये ऊपर में जो है ना तीन एग्जांपल, ये तो याद रखना, ये सब ह्यूमन वाले हैं, ये एनसीईआरटी ने पेज नंबर 132 के सेकंड पैराग्राफ में दिया है। नेक्स्ट, ये तो बात तुम जानते ही हो, लाइकेंस कभी ग्रो नहीं करते पॉल्यूटेड एरियाज में, क्योंकि वो पॉल्यूशन इंडिकेटर है। एजेंट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन प्रीडेटर है, बर्ड्स है। देखो, जो नेचर ने सेलेक्ट किया, तो वो तो किया कभी व्हाइट मौत को, कभी मेलानाइज्ड मौत को। ये सब करवाने वाले कौन थे? प्रीडेटर या बर्ड्स, वो किसी को खाए किसी को नहीं खाए। लेकिन एक बात तो पक्की है कि दुनिया से कोई भी वेरिएंट कंप्लीटली वाइप आउट नहीं हुआ। मतलब ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के अगर हम पहले चलें तो ब्लैक वाला पूरी तरीके से खत्म हो गया, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद व्हाइट वाला पूरी तरीके से खत्म हुआ, है ना। तो कुछ ना कुछ छिप ही जाते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना ये। अब कुछ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन, ये बातें एनसीईआरटी कर रही है पेज नंबर 137 के लास्ट पैराग्राफ पे। देखो, अब ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन मिला क्या? हाँ, अब यहां से कुछ बातें याद रखनी है। पहली बार
नॉन सेलुलर फॉर्म जो धरती पे आई 3 माया पहले, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म 2000 माया पहले, आई बात समझ में? 2000 माया मतलब 2 माया, बाया माया समझते हो ना क्या बातें चल रही हैं? ओ बाया, ओ माया, क्या है ये? बाया मतलब बिलियन ईयर्स अगो, माया मतलब मिलियन ईयर्स अगो। इनवर्टेब्रेट्स 350 माया पहले, सीवीड्स और फ्यू प्लांट 320। ये सारी बातें एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं, पेज नंबर 138 में नीचे देखो। ये सारा चीज तुम्हें बॉक्स के फॉर्म में एनसीईआरटी के बालकनी में लिख लेनी है। एनसीईआरटी की बालकनी समझते हो तुम? जैसे पेज नंबर 137 देखो, राइट साइड में तुम्हें बालकनी मिल जाएगी, ऊपर साइड में छत है, तो जहां तुम्हें जगह मिले बालकनी में, छत में, वहां तुम चीजों को लिख सकते हो। लैंड रिप्टाइल्स डायनासोर्स, कभी जमाना चलता था डायनासोर्स का, लेकिन वो डिसअपियर हो गए 65 मिलियन ईयर्स अगो। क्यों? लोगों का मानना है कि उस समय कुछ बहुत ही बड़ा क्लाइमेट चेंज हुआ और वो बर्ड्स में इवॉल्व हो गए। अलग अलग लोगों का अलग अलग राय है कि समंदर की तरफ वो भागने लगे, कुछ ऐसी ड्रास्टिक चेंजेस हमारी अर्थ पे हुई थी, और कुछ लोगों का कहना है कि समंदर में भागते भागते कुछ ऐसा इवोल्यूशन हुआ है उनका कि वो बर्ड्स में इवॉल्व हो गए। लोगों की अपनी अलग अलग राय है। सम लैंड रेप्टाइल्स वेंट बैक टू वॉटर टू इवॉल्व फिश लाइक रेप्टाइल्स। जैसे इक्थियोसॉर्स की अगर हम बात करें, ये कब के हैं? 200 माया पहले की ये बातें की जा रही हैं, ठीक है। 139 सबसे लास्ट लाइन, ठीक है, ये सब चीजें लिखी हुई हैं। मिल गई ये सब बातें, ठीक है। मॉडर्न डे डिसेंडेंट ऑफ रेप्टाइल्स क्या है? रेप्टाइल्स के डिसेंडेंट्स हैं टर्टल, टर्टोइज और क्रोकोडाइल वगैरह, ठीक है। हाँ, अब सुनो जरा, पेज नंबर 138 और 139 पे डायग्राम है 7.9 और 7.10। यहां से क्वेश्चंस आए तो नहीं है, लेकिन जब आएंगे तो अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। इवोल्यूशन इनका कैसे हुआ है ये बात यहां पे बताया गया है। बहुत रेयरली क्वेश्चंस आते हैं यहां से, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, देख लेना उनको, 138 और 139 को। अब सुनो, सुनो ध्यान से बिल्कुल, क्या बात है यहां पे। लोब्ड फिन फिश जिसका नाम क्या है? सीलोकैंथ। ध्यान से सुनना क्या बातें यहां पर है, ठीक है। कौन सी बात चल रही है? सीलोकैंथ के बारे में। प्राइमरी एक्वाटिक, मेनली कहां रहता है? पानी में रहता है। एक सीलोकैंथ नाम का मछली है, तुम्हें ऐसा समझ लो, जो कहां रहता है? पानी में, ठीक है। 1938 में यह मछली साउथ अफ्रीका से देखने को मिली। ऐसा माना जाता था कि 1938 से पहले यह दुनिया से निकल चुकी है, ये दुनिया से इनका मतलब खत्म हो चुका है, ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, लेकिन 1938 में ये साउथ अफ्रीका में हाल फिलहाल में देखने को ये चीज मिली है, ऐसा एनसीईआरटी बता रही है। एनसीईआरटी पेज नंबर 138 देखोगे, लिखा हुआ है डेट 1938 में अ फिश काउट इन साउथ अफ्रीका हैपन टू बी अ सीलोकैंथ विच वॉज थाउट टू बी एक्सटिंक्ट, समझा जाता था ऐसा। दीज एनिमल्स कॉल्ड लोब फिन्स, ऐसा माना जाता था कि ये कहीं ना कहीं क्या बन चुके हैं? एम्फीबियंस। आज भी यही समझा जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ मेंबर्स चलो ठीक है बचे हुए हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे एम्फीबियंस बन चुके हैं, जैसे फ्रॉग, सेलमेंडर्स। पानी से वो लैंड पे आने लगे, क्योंकि एम्फीबियंस तो दो जगह पे रहते हैं। फिर वो आगे रेप्टाइल्स बन चुके, अब वो अंडे जो दे रहे हैं वो बिल्कुल शेल्ड वाले, कैल्शियम कार्बोनेट का शेल वाला अंडा दे रहे हैं वो। फिर कुछ मैमल्स में चले गए, मैमल्स में विविपैरस, वो मदर के बॉडी के अंदर रहने लगे, ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं वो। ये सब बातें पुराने जमाने की हैं जो बातें कही गई हैं, तुमको ये एग्जैक्टली नहीं याद रखना है कि ऐसा ही है बिल्कुल, लेकिन ये कुछ भूल जाओ लेकिन ये मत भूलना। 1938 साउथ अफ्रीका लोब फिन फिश। आगे, एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जानते हो? जब साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका दोनों एक जगह पे थे, इसके बाद हमारी अर्थ पे कुछ ऐसी क्लाइमेटिक चेंजेस हुई जिसके चलते लोगों को अलग अलग डायरेक्शन में जाना पड़ा। मानकर चलते हैं बहुत कंपटीशन रहा होगा, खाने की कमी रही होगी, जिसके कारण लोग अपने जगह को बदलते चले गए, तो इसी चीज को कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की। जो फर्स्ट मैमल्स हैं वो कैसे थे? तो श्रीव लाइक थे, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। वेल, डॉल्फिन, सील और सीकाओ, ये सारे एक्वेटिक मैमल्स हैं, नीट का क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। एनिमल किंगडम में भी ये डाउट होता है कि एनसीईआरटी में कहां लिखी हुई है ये लाइन, इवोल्यूशन में लिखी हुई है।
वेल मछली नहीं है, वेल मैमल है। डॉल्फिन मछली नहीं है, डॉल्फिन मैमल है। सील और सी काउ ये सब सब पानी में रहने वाले मैमल है। ठीक है यहां तक। अब अगली चीज है तुम्हारी हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। स्पेशल क्लास में मैंने ये हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल पूरा करवाया है, 1.5 घंटे के पूरे लेक्चर में, और इस पे कई सारे न्यूमेरिकल्स भी करवाए हैं मैंने। ठीक है, एक बार सुन लो क्या है पूरा हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। सबसे पहले जेनेटिक इक्विलिब्रियम की बात की गई है। अगर हम माने तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जितने भी कैरेक्टर्स जाते हैं वो लगभग सब स्टेबल कैरेक्टर होते हैं। कुछ चेंजेस यहां पे देखने को मिलती हैं। तो हमारे पॉपुलेशन में जितनी भी टाइप की जीन मिलती है और जितने भी एलिल्स मिलते हैं सबको मिलाकर क्या बोलते हैं, जीन पूल, जो कि क्या होती है, बिल्कुल कॉन्स्टेंट होती है। अब न्यूमेरिकल के लिए ना ये इक्वेशन का ध्यान रखना होता है। क्या है इक्वेशन, p² + q² + 2pq = 1। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहां पर ना किसका मतलब क्या है ये सब चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है। ठीक है, कल जो हम लोग क्लास करने वाले हैं ना, कल शाम 4 बजे, उसमें इसका न्यूमेरिकल भी मैं करवाऊंगा और न्यूमेरिकल कैसे इसका करते हैं वो भी तरीका मैं फिर से रिपीट करूंगा। ठीक है, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल एक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे जीन माइग्रेशन है तो जीन देखो, जीन माइग्रेट कर रहा है, अरे बात समझ में, और कहीं से कोई चीज आ रहा है। ई मतलब एग्जिट, तो यहां से हट गया जीन, वहां से खत्म हो गया। जैसे क्या होता है ना कि जैसे कोई पॉपुलेशन है तो जगह छोड़कर कहीं चली भी तो जाती है न्यू पॉपुलेशन में, तो अगर जगह छोड़कर जा रही है तो कुछ जीन का जो पहले से जीन पूल था उसमें से तो कुछ चीजें चली गई। अब अगर जो नई जगह पे गई हैं वहां न्यू जीन ऐड हुआ है, तो इसी चीज को बोला जाता है जीन फ्लो। कि जब कोई पॉपुलेशन किसी जगह पे बहुत पुराने जमाने से रह रही थी, जब वो कोई नई पॉपुलेशन में चली जाती है तो उसका जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाता है, हम इसे बोलते हैं जीन माइग्रेशन। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। आगे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ये तुम जानते हो, अभी मैंने जस्ट बात की थी, पिकाइटीन के स्टेज पे क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर के जगह क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या आती है, तो बोलेंगे वेरिएशन आती है। म्यूटेशन की अगर बात करें तो क्या म्यूटेशन की वजह से नए नए फिनोटाइप्स आते हैं, बाहर से देखने से ही तुम बिल्कुल समझ जाओगे कि हाँ कुछ बिल्कुल अलग ही चेंज देखने को मिल रहा है, तो नए नए फिनोटाइप्स म्यूटेशन की वजह से आते हैं। अगली चीज क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। याद रखें, कुछ बात याद हो ना हो, जेनेटिक ड्रिफ्ट जब भी होगी छोटी सी पॉपुलेशन में होगी। जब ध्यान देना, जब कोई छोटे से पॉपुलेशन में बाय चांस को जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज आया है तो हम उसे जेनेटिक ड्रिफ्ट कहा करते हैं। क्या बोलेंगे, जेनेटिक ड्रिफ्ट बोला करेंगे। ठीक है, अब देखो जैसे मानकर चलो कहीं से कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे जगह पे चला गया, तो उस जगह का कोई ना कोई ओरिजिनल पॉपुलेशन तो होगा, उसको बोलते हैं फाउंडर्स इफेक्ट। जैसे वो फाउंडर रहा होगा ना, जैसे कोई जगह कोई चीज किसी ने बनाई और उस जगह को छोड़कर चला गया किसी दूसरे जगह पे, तो फाउंडर टर्म उसी के रेफरेंस में यूज किया जाता है। नेचुरल सिलेक्शन की बात करें तो वही है, एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि हम बेटर हमारे अर्थ पे बनते रहते हैं, क्योंकि जो भी वेरिएशन है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चलती चली जाती है और बहुत सारे प्रोजेनी को हम इस दुनिया में छोड़कर चले जाते हैं। तुम्हें तो ये याद रखना है कि वो 5 पॉइंट है, ये वो 5 मेनली पॉइंट्स हैं हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल के, जो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, तो ये पॉइंट तुम्हें बेसिक से ध्यान रखना है कि क्या होता है। अब अगली चीज एग्जाम में क्या आएगी, ये डायग्राम आ सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं इसकी, इसका तुम पिक देखो और इसका पिक देखो और ये पिक देखो, यहां तो साफ समझ में आ रहा है कि जब एग्जाम में हमें 2 पिक दिख जाए तो समझ जाना ये डिसरप्टिव सिलेक्शन है। जब बिल्कुल नैरो पिक मिले समझ जाना स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन है, और ये जब बात हो कि एक डायरेक्शन में चीजें शिफ्ट हो रही हैं इधर की तरफ, तो इसको क्या बोला जाएगा, डायरेक्शनल सिलेक्शन। जब एक डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगे, ठीक है, जब ऊंची होने लगे तो स्टेबलाइजिंग, जब 2 पिक बन जाए तो डिसरप्टिव। अभी पहले तुम्हें इतना याद रखना है, ठीक है, डायग्राम और डायग्राम से रिलेटेड ये चीजें, इसको जरा अच्छे से समझना ये कैसे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, और इसके बाद मैं इस पे आऊंगा, क्योंकि यही समझना हमें जरूरी है कि कैसे ये चीज होती है। सबसे पहले यहां पे ध्यान देना, क्लोरोफाइट एंसेस्टर मतलब ऐसे प्लांट जिनमें क्लोरोफाइट मतलब क्लोरोफाइसी, जानते हो ना, उसी से रिलेटेड बात है, मतलब एल्गी की बात है। पहले एल्गी वाले आए,
फिर ट्रैक्योफाइट, मतलब ऐसे प्लांट जिनमें सब कुछ मिलने लगा, मतलब जाइलम फ्लेम वगैरह मिलने लगी, पहला कौन सा था? टेरिडोफाइट। फिर है राइनिया टाइप प्लांट, फिर है सीलोफाइटॉन। तो सबसे पहले तो ये ऑर्डर तुम्हें याद रखना है, ऐसे याद रखना है तुम्हें, ठीक है। अब कुछ ना, यहाँ पे एरा है, पैलेजोइक एरा, मेसोजोइक एरा, और यहाँ पे है सीनोजोइक एरा, और ये कुछ पीरियड लिखे गए हैं, सिलोरियन पीरियड, डेवोनियन पीरियड, कार्बोनिफेरस पीरियड, परमियन, ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस, टर्शियरी और क्वार्टरनरी, तो अभी का चल रहा है। अगर तुमसे पूछा जाए कि एंजियोस्पर्म कब आया, तो बोलेंगे कौन से एरा में, तो बोलेंगे सीनोजोइक में, और कौन से पीरियड में आया, तो बोलेंगे क्वार्टरनरी पीरियड में। ये कुछ ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक बात देखो जरा, सीड अगर आया जिन फंस में, तुमने सुना होगा कि सीड भी मिलते हैं कुछ टेरिडोफाइट्स में, क्योंकि सीड इवोल्यूशन इसी टाइम से स्टार्ट हो गया था। तो सीड देखो, आगे जिम्नोस्पर्म का मेंबर है साइकस, और इधर कुछ एंजियोस्पर्म के मेंबर, तो कहीं ना कहीं टेरिडोफाइट बड़ा रिस्पॉन्सिबल रहा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को निकालने में। आई बात समझ में? तो यहां से सीड है तो प्रोजिम्नोस्पर्म, जो जिम्नोस्पर्म के पहले वाले मेंबर थे। फिर ऐसे यहां से गिंगो आया, कोनिफर आया, जिनिटल्स आया, फर्न्स आया। अब ये देखो ना, पढ़ते हो तुम, अस्फेनोप्सिडा है तो इसमें इक्विसेटम आ जाता है, इक्विसेटम को तुम हॉर्सटेल कह देते हो, लाइकोपोडियम जिसमें लाइकोपोडा आता है ना। तो ये सब एग्जांपल हमें ध्यान रखने हैं, बस एक बार गौर से देखना ना, तुम ध्यान रखोगे अगर अच्छे से तो सारी चीजें याद हो जाएंगी। अब सीलोफाइटॉन से क्या क्या निकला, ये एरो अलग है, अरे बात समझ में। अब ट्रैक्योफाइट और राइनिया के बीच में क्या निकला, तो ये जोस्टेरोफाइलम से आगे बढ़ते हुए। अब क्लोरोफाइट जो एल्गी है, एल्गी के बाद ब्रायो आया है ना, तो देखो इसके बाद एरो यहां पे। तो एल्गी के बाद ब्रायो, ब्रायो के बाद टेरिडो, टेरिडो के बाद जिम्नो, जिम्नो के बाद एनजीओ वाली चीज यहां पे बात की गई है। ज्यादा एडवांस्ड पूछा जाए कौन है, मोनोकॉट इवोल्यूशन में सबसे लेट से आए हैं ये। आई बात समझ में? तो ये ध्यान रखना। यहां पे इसी चीज को एक्सप्लेन किया गया है कि उसके क्या डेरिवेटिव्स आए हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ काम की बातें जो तुम्हें एग्जैक्ट याद रखनी है, जैसे मोनोकॉट बिल्कुल हाल फिलहाल का है, डाइकॉट पुराना है, ठीक है। आगे सीलोफाइटॉन, इसमें पहले तुम देखो सीलोफाइटॉन, सीलोफाइटॉन से क्या क्या डायरेक्टली बने हैं वो लाइन में लिखा हुआ है। सीलोफाइटॉन प्रोजिम्नोस्पर्म, फर्न्स, गिंगो, कॉनिफर, जिनेटल्स, स्फेनोप्सिडा, तो डायरेक्टली ये लाइन तुम्हारे लिए है ना, ध्यान रखना। क्लोरोफाइट के बाद ब्रायोफाइट, ये सब चीजें आई हैं, है ना, तो ये सब लाइन ध्यान रखना है तुमको, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये वाला देखना जरा, यहां पे समझना, ये सबसे पहले कार्बोनिफेरस पीरियड के और नीचे तुम चले जाओ, तो सबसे पहले अर्ली रेप्टाइल्स मिलते थे जो अब धरती से एक्सटिंक्ट हो गए। तो इसमें से पहला क्वेश्चन बनता है, कई सारे नाम दे दिए जाएंगे और तुमसे पूछा जाएगा कौन कौन से एक्सटिंक्ट कर चुके हैं, तो बोलेंगे अर्ली रेप्टाइल्स, पेलिकोसॉर्स, थेकोडॉन, थेरेप्सिड्स और डायनासॉर्स, ठीक है। ये हमारे अर्थ पे अब नहीं है, हमारे अर्थ से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब सुनो, यहां पे अगर तुम देखोगे कई सारे बना रखे हैं ब्रांचेस, तो कुछ ऐसे ध्यान रखना है, समझो। पूछेगा मैमल्स जो यहां पे है तो इसका सबसे पहला ऑरिजिन कहां से हुआ, बोलेंगे अर्ली रेप्टाइल्स जो हैं इनसे इनका ऑरिजिन हुआ है। अब अगली बात समझो, बर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो क्या बर्ड्स में तुम देखोगे तो क्या बर्ड्स वाले एक अलग ब्रांच आ गए तुम्हारे डायनासोर्स और कुछ अलग बन गए हैं बर्ड्स में, तो ये कहना गलत है कि डायनासोर्स बर्ड में कन्वर्ट हुए, क्योंकि डायनासोर्स का तो अपना अलग चला है। अब यहां पर तुम देखो बगल वाले में, तो ये साइनाप्सिड्स हैं, सोरोप्सिड्स हैं, ठीक है। तो सोरोप्सिड से क्या क्या डेवलप हुआ है, तो वो देखो टर्टल डेवलप हुए हैं, फिर देखो लिजार्ड डेवलप हुए हैं, तो सब एक जैसे तुम्हें देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। तो यहां पर अगर देखी जाए तो देखो कि एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि सोरोप्सिड्स, सबसे पहले तुम देखो सोरोप्सिड्स को, ये रहा सोरोप्सिड्स। अब टर्टल, लिजार्ड, स्नेक, टोटारा, टर्टल, लिजार्ड, स्नेक, टोटारा, एक गौर से अगर तुम देखो तो पता चलेगा कि सोरोप्सिड्स पहला पॉइंट तो ये चला गया, दूसरा चला गया ये, तीसरा चला गया इसमें स्नेक, और चौथा चला गया इसमें टुअटारा। मेनली सोरोप्सिड्स से ये चारों डेवलप हुई हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इस पे। थेकोडोंट की अगर बात करें तो इन्होंने क्रोकोडाइल, बर्ड्स और एक्सटिंक्ट डायनासोर को रूप दिया। किसके बारे में बात चल रही है, थेकोडोंट के बारे में। थेकोडोंट को अगर तुम गौर से देखोगे तो थेकोडोंट ये वाला, थेकोडोंट ने क्रोकोडाइल को दिया, डायनासोर्स को दिया और बर्ड्स को दिया,
तो थोड़ा सा समझ रहे होगे तुम कि कैसे इवोल्यूशन में ये डायग्राम हमें ध्यान रखना है। अ स्टोरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ मैमल्स। तो सबसे पहले देखो, मैमल्स की बात अगर मैंने अभी तुमको बताई तो मैमल्स आया कहां से? अर्ली रेप्टाइल्स से। तो देखो, सबसे पहले एक्सटिंक्ट रेप्टाइल, फिर उसके बाद सिनेप्सिड्स। सिनेप्सिड मतलब इधर से चला है। तो मैमल्स में सॉरोप्सिड्स का कोई रोल नहीं है। एक्सटिंक्ट रेप्टाइल के बाद सिनेप्सिड्स, फिर पेलिकोसॉर्स, फिर थ्रैप्सिड्स, फिर मैमल्स। आई बात समझ में? तो मैमल्स के लिए मतलब एक पूरा चार्ट अगर तुम फिर से देखो, अगर मैं बताऊं इस पूरे चार्ट को, तो इस पूरे चार्ट को सिंप्लीफाई अगर करें, अब तो याद हो गया होगा तुम्हें कुछ कुछ, मतलब चार्ट समझ में तो आया होगा ना, वही सबसे बड़ी बात है। देखो, अगर मैं बात करूं टर्टल, लिजार्ड, स्नेक और टुअटारा, ये कहां से आए हैं? मेनली सॉरोप्सिड्स से, क्योंकि ये ब्रांचेस तुम्हें देखने को मिल रही होंगी, ये ब्रांचेस। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अगर बात की जाए यहां पे मैमल्स के बारे में, तो मैमल्स बीच में देखो थेरेप्सिड्स हैं, बीच में यहां देखोगे पेलिकोसॉर्स हैं, बीच में देखोगे यहां पे सिनेप्सिड्स हैं, और बीच में देखोगे यहां पे अर्ली रेप्टाइल्स हैं। तो ये चला है। फिर देखोगे थेकोडोंट, तो थेकोडोंट से क्रोकोडाइल आए हैं, इससे आया है नेक्स्ट डायनासोर, और इससे ही आया है आगे चलकर बर्ड्स। तो सारे चीज तो आराम से हो ही गए। थेरेप्सिड मैमल वाले में टच करेंगे, थेकोडोंट्स, क्रोकोडाइल, डायनासोर और बर्ड्स वाले में टच करेंगे, पेलिकोसॉर भी मैमल वाले में टच करेंगे, स्नैपसिड्स भी मैमल वाले में टच करेंगे, और जो सॉरोप्सिड्स है वो सारे रेप्टाइल्स वाले में, टर्टल, लिजार्ड, स्नेक, टोटारा, ये सब। ठीक है, और तुम देखोगे क्रोकोडाइल थोड़ा अलग है, तभी चार चैम्बर हार्ट मिलते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज यहां पे हमने देखा। थोड़ा तो समझ में आया होगा ना? हाँ भाई, आगे चलो। अब ये कुछ बातें एनसीईआरटी की हैं, देखना जरा। ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम मिलेगी तुम्हें पेज नंबर, ये डायग्राम तुम्हें देखने को मिलेगा, कहाँ गया, ये डायग्राम है पेज नंबर 130। पेज नंबर डायग्राम तो दे रखा है 130 में, लेकिन इनका जो रिलेशन है वो लैंग्वेज इसके दे रखी है 140 में। 130 में डायग्राम है, 140 में इसकी थियरी है, इसको एक जगह पे यहां पे लिखा गया है। ठीक है, सुनो, डायनासोर की पूरी फैमिली आज तुम देख रहे हो, ये सब डायनासोर के अलग अलग परिवार हैं, कोई फूफा है, कोई मौसा है, कोई मौसी है ना, कोई ताऊ है, ये कोई चाचा जी है ना, कोई मामा जी, सब अलग अलग डायनासोर्स के परिवार हैं। ट्राइसेरोटॉप्स, ट्राइनोसोरस, टेरेंडॉन, क्रोकोडाइलियन, आर्कियोप्टेरिक्स, ब्रैकियोसोरस और स्टीगोसोरस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ट्राइनोसोरस रेक्स। ट्राइनोसोरस जो था वो 20 फीट हाइट का था, उसके दांत बिल्कुल डैगर की तरह थे, छुरे की तरह, ये ध्यान रखना है। अस्टेगोसॉर्स की अगर हम बात करते हैं तो अस्टेगोसॉर्स की बॉडी बिल्कुल लार्ज बॉडी हुआ करती थी, और टेल देखो ना, यहां पे टेल की बात करें बिल्कुल स्पाइक थी टेल में, और यहां पे अगर बैक पे देखेंगे बिल्कुल बोनी प्लेट्स यहां पे मौजूद है। तो इसी डायग्राम को देखकर ये लैंग्वेज यहां पे लिखी गई है अस्टेगोसॉर्स के बारे में। डायग्राम सबको दिख रहा है? डायग्राम को देखो गौर से। आगे चलो, ट्राइसेरोटॉप्स की अगर बात करें, ये रहा ट्राइसेरोटॉप्स, देखो तीन हॉर्न वाले डायनासोर हुआ करते थे, ये तीन हॉर्न रहते हैं इसमें, विद अ बोनी फ्रिल अराउंड बैक ऑफ इट्स हेड, हेड के पीछे देखो पूरी तरीके से बोन का ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, ये हो गया। ब्रैकियोसॉर्स को अगर तुम देखोगे बिल्कुल लॉन्ग जिराफ लाइक नेक, देखो ना, और लॉन्ग फोरलिम्स, ये लंबे लंबे जनरली फोरलिम्स देखने को मिलते थे। टेरेनोडॉन इसकी बात करेंगे तो उड़ता था रेप्टाइल्स, फ्लाइंग रेप्टाइल्स कहते थे इसे। आर्कियोप्टेरिक्स को तो तुम जानते ही हो, है ना, तो ये बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बीच में कहीं ना कहीं कनेक्शन रहा है इनका, आर्कियोप्टेरिक्स का। अब ब्रैकियोसोरस और ट्राइनोसोरस रेक्स की अगर बात करें तो लगभग लगभग कहते हैं कॉमन एंसेस्टर से ही आए हैं। तो डायनासोरस का तुमने परिवार देखा, ए फैमिली ट्री ऑफ डायनासोरस, इसका सारा लैंग्वेज लिखा हुआ है पेज नंबर 140 में। पेज नंबर 140 फर्स्ट पैराग्राफ, सेकेंड पैराग्राफ, ये सब चीजें लिखी हुई हैं इसकी। ठीक है, अब बात करते हैं ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन। बहुत सारी कहानियां हैं ह्यूमन इवोल्यूशन को लेकर, लेकिन सबसे चीज माने कि इंसान का सबसे इंटरेस्टिंग क्या रहा कि हम आज इस लेवल तक पहुंच गए, ह्यूमन ब्रेन और लैंग्वेज। अगर इन दोनों का इवोल्यूशन नहीं हो रहा होता, पैरल इवोल्यूशन, हम इस लेवल पे जो है ना आज पहुंच नहीं पाते।
ह्यूमन के क्या क्या एंसेस्टर्स रहे हैं, सबसे ज्यादा दिक्कत होती है इसमें कि कितना क्रैनियल कैपेसिटी रहा, कितना क्या रहा, है ना। तो क्रैनियल कैपेसिटी पे क्वेश्चंस आते हैं, तो ह्यूमन एवोल्यूशन से तो एक क्वेश्चन मानकर चलो, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक चार्ट में बना रखा है। ड्रायोपथिकस, रैमेपथिकस, ऑस्ट्रलोपथिकस, पहले तो ये ऑर्डर याद रखना होगा तुम्हें कि पहले कौन आए, ड्रायोपथिकस के बाद, रैमेपथिकस के बाद, ऑस्ट्रलोपथिकस, फिर उसके बाद होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, नियंडरथल मैन और होमो सेपियंस, ठीक है। ये हमारे धरती पे इस तरीके से आए हैं। तो अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज सबसे ज्यादा क्या है ना, क्रैनियल कैपेसिटी। और जिसका जिसका लिखा हुआ है ना उसका याद करना है तुम्हें, जिसका जिसका लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्रैनियल कैपेसिटी अगर देखोगे तो नियंडरथल मैन का देखो 1400 सीसी का, जैसे गाड़ी में होती है ना सीसी, वो वाली नहीं है ये, कितना दिमाग तेज काम करेगा इनका। सीसी के बेसिस पे मत समझना, सीसी तो सिंपल सी साइज है, क्रैनियल कैपेसिटी के बेसिस पे, ठीक है। होमो इरेक्टस का 900 सीसी, होमो हैबिलिस 650 से 800 सीसी। कौन धरती पे कब आए, तो देखो ना होमो सेपियंस की बात करें तो 75,000 से बस 10,000 साल पहले आए हैं। नियंडरथल मैन 40,000 से 1,00,000 साल पहले। होमो इरेक्टस 1.5 मिलियन ईयर्स अगो। तो अगर मैं तुमसे बात करूं ड्रायोपथिकस और रैमेपथिकस के बारे में, तो ज्यादातर किसके जैसे थे, एप लाइक, और कुछ कैसे थे, मैन लाइक। तो गोरिल्ला और चिंपैंजी वगैरह को देखा जाता था कुछ इस तरीके से। तो ड्रायोपथिकस किसके जैसे थे, एप जैसे। रैमेपथिकस कैसे थे, मैन जैसे। ये सब बातें एनसीईआरटी में 140 पेज नंबर पर लिखी हुई है कि दे वेयर हेरी एंड वॉक्ड लाइक गोरिल्लास एंड चिंपैंजी। रैमेपथिकस वॉज मोर मैन लाइक while Drapthicus was more ape-like, page number 150. ये ध्यान रखना है तुम्हें, कब आए, 15 माया पहले। Australopithecus की बात करें 2 माया पहले। अब few fossils of man-like bone have been discovered in Ethiopia and Tanzania, ये देश के नाम याद रखने हैं कि कहां मिले ये हमें। 3 to 4 माया अगर पहले बात करें हम, man-like primates हमें मिले हैं जो East African grassland में चलते हुए लोगों हमें मिले हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना है। They were probably not taller than 4 feet but walked upright. Human evolution में ये बड़ा important रहा, इंसान पहले झुक कर चला करते थे, जब इंसान स्ट्रेट चलना चालू किया, ये भी evolution में बड़ा important चीज रहा है। Human के हैंड पहले स्ट्रेट हुआ करते थे, धीरे धीरे ये हैंड ग्रास्पिंग पावर वाली आई है। तो ये सब evolution में बहुत important events रहे हैं, हमारा सीधा चलना, हमारा स्ट्रेट रहना, हमारा लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, ह्यूमन ब्रेन का एक अलग से evolution होना, ये सब evolution के important events रहे हैं। 4 फीट के रहा करते थे ऑस्ट्रलोपिथेकस। और एवोल्यूशन हमें बताता है कुछ एविडेंस कि पहले जो हथियार होते थे वो पत्थर के हथियार होते थे और फ्रूट खाया करते थे पहले। फर्स्ट ह्यूमन लाइक बींग पूछा जाएगा कौन है, बोलेंगे होमो हैबिलिस, जिसको बोला जाता है होमिनिड। प्रोबेबली डिड नॉट एट मीट, मीट नहीं खाया करते थे। होमो इरेक्टस ने मीट खाना चालू किया था, एट मीट। और फॉसिल्स इसके मिले हैं 1891 में जावा, जावा जगह का नाम है, कुछ याद आ रहा होगा तुम्हें, जावा, कैस्पियन, 3 सब स्पीसीज ऑफ टाइगर, है ना। नियंडरथल मैन की बात करें, ईस्ट और सेंट्रल एशिया, और अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करते थे हाइड, है ना, कुछ भी छाल वगैरह ओढ़ लिया और बॉडी को आराम से प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं। अपने जो प्रियजन थे उनको ये बरी मतलब इसमें दफनाया करते थे, है ना। आग जलाने का कॉन्सेप्ट तो बहुत बाद में आया है, पहले लोगों को दफनाया जाता था। होमो सेपियंस की बात करें, अफ्रीका से शुरुआत हुई है, इनके अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में मूव करते चले गए। ये डायग्राम एनसीईआरटी में तुम देख सकते हो, ये डायग्राम एनसीईआरटी में है पेज नंबर 141 में। कंपैरिजन दे रखा है अडल्ट मॉडर्न ह्यूमन का, बेबी चिंपैंजी का और अडल्ट चिंपैंजी का। ये देखो, ये अडल्ट मॉडर्न ह्यूमन बींग है, इसका स्कल तुम देखो ऐसा है, ये बेबी चिंपैंजी की है और इसका स्कल देखो कैसा है। अडल्ट चिंपैंजी का देखो स्कल ऐसा है, तो स्कल का एक कंपैरिजन दे रखा है, तो तुम कहीं ना कहीं देखोगे कि बेबी चिंपैंजी तो मिल रही है, बेबी चिंपैंजी का स्कल और इसका स्कल तो मिल रहा है। द स्कल ऑफ बेबी चिंपैंजी इज मोर लाइक अडल्ट ह्यूमन स्कल देन अडल्ट चिंपैंजी स्कल। पहले जमाने में जो केव आर्ट मिलते थे, गुफाओं में लोग बैठे रहते थे, क्या करें, तो पेंटिंग चित्रकारी कर रहे हैं गुफाओं में बैठे हुए। 18,000 साल पहले हमने हिस्टोरिक केव आर्ट सीखी है। ऐसा देखने को मिला है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के भीमबेटका रॉक सेल्टर में, ऐसी केव पेंटिंग्स मिली हैं जो सबसे पहले इंसानों ने बनाई है। जो मध्य प्रदेश से हैं वो कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में, अगर जिन्होंने देखा है रायसेन में ये भीमबेटका रॉक सेल्टर।
एग्रीकल्चर तो हमने 10,000 साल पहले ही सीखी है, ह्यूमन सेटलमेंट्स, ह्यूमन ने घर बनाने स्टार्ट किए, रोटी कपड़ा मकान का जो कॉन्सेप्ट आया, ये सब सब बहुत पुराना नहीं है, 10,000 साल पहले का ये सब सब कॉन्सेप्ट रहा है। समझ गए? तो इस तरीके से है। तो ये हमने इवोल्यूशन ऑफ मैन देखा। पहले अपनी एनसीईआरटी में आ जाएं जरा। एनसीईआरटी का ऑर्डर आज तुम्हें क्लियर पता चला होगा कि एनसीईआरटी का ऑर्डर कैसे हमें ध्यान रखना है। आज क्लास के बाद और सोने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का पहले ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? इसकी पीडीएफ अभी तुम्हें शेयर की जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, उस पीडीएफ को सामने रखना है, ठीक है? और उसके बाद अपनी एनसीईआरटी खोलनी है, वर्ड टू वर्ड पढ़नी है और इस पीडीएफ को देखना है, ठीक है? बिल्कुल स्टार्टिंग से, आगे पीछे बिखरी हुई मैं बीच बीच में पेज नंबर बताता गया हूं, इसके अकॉर्डिंग ये काम करते रहना है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से आएगा वो पहले मैं हाईलाइट करवा रहा हूं तुम्हें। सबसे पहले खोल लो पेज नंबर, सबसे पहले खोल लो पेज नंबर 129, और जो पैराग्राफ को बहुत अच्छे से पढ़ना है। 129 में एक हेडिंग है, व्हाट आर द एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन, इसका पहला पैराग्राफ। 129 में एक हेडिंग है, इम्यूनोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन, इसमें कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर, इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? पेज नंबर 130 में होमोलोगस एनालॉगस, और पेज नंबर 131 में एग्जांपल्स भरे हुए हैं, वो ध्यान रखना है, ठीक है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो तुम समझ ही गए। पेज नंबर 133 से मार्सुपियल रेडिएशन से कौन कौन निकले हैं, डार्विन फिंचेस वाली बात, और पेज नंबर 134 का जो डब्बा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और नीचे की जो लाइन है 134 की, ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन आर द टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ये वाली बात। नेक्स्ट पेज नंबर 135 पे सॉल्टेशन दे रखा है एक टर्म, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, ठीक है, ये वाला ध्यान रखना है। 136 के डायग्राम ध्यान रखने हैं तुम्हें, हार्डी विनबर्ग पे न्यूमेरिकल में कल करवाऊंगा फिर से, और कल क्वेश्चंस बड़े खास होंगे, क्वेश्चंस के थ्रू भी कई कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे, कल शाम 4 बजे जब स्पेशल क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और ह्यूमन एवोल्यूशन तो तुम्हें पूरा पढ़ना है, और पेज नंबर 138 139 का ये चीज मैंने बता दिया तुम्हें, वो ध्यान रखना है। और 148 में ह्यूमन एवोल्यूशन की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट यहां पे एनसीईआरटी में है। तो इस इवोल्यूशन वाले चैप्टर में 80% जो करीब कॉन्सेप्ट है वो हमें याद रखने वाला है, बाकी जो 20% कॉन्सेप्ट है बीच बीच में समझने वाले हैं। तो हमने पूरा ये देखो क्या 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 बात है ना, कि जो बच्चा आज की क्लास में पहली बार इवोल्यूशन को पढ़ रहा होगा, मुझे मालूम है कि उसको पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया होगा, 70% कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा या 65-60% कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब तुम्हें एनसीईआरटी को एक बार पढ़ना है तो 80% तक लगभग पहुंचोगे, फिर जब क्वेश्चन कल क्लास में प्रैक्टिस करोगे तो लगेगा कि हाँ ये वाला क्वेश्चन यहां से आया था, कल मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन कि हाँ ये क्वेश्चन कहां पे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है? तो उससे और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो क्वेश्चन कल का मैंडेटरी है करना, समझ गया ना, कल शाम को 4 बजे। तो सिर्फ इवोल्यूशन का ही क्वेश्चंस करने वाले हैं, 50 क्वेश्चंस के आसपास करेंगे हम लोग, तो बस रिवाइज कर अच्छे से आना। और कल स्टार्ट हो रहा है हमारा जेनेटिक्स का पहला पार्ट, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है? तो पहले इवोल्यूशन को अच्छे से निपटा लो, फिर कल हम लोग शाम में रात में वो करेंगे 9 बजे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, और हम लोग कल मिलेंगे शाम को 4 बजे। और इवोल्यूशन ना वैसे टोटल लग जाते हैं 12-13 लेक्चर, अगर डिटेल में हमें करना है 90 मिनट्स की क्लास में, है ना? तो जितना मैंने बताया है उससे नीट के सारे क्वेश्चंस आराम से तुमसे लग जाएंगे, ठीक है? बस पूरी तरीके से एनसीईआरटी और ये पीडीएफ पे काम करना आज की रात सोने से पहले, ठीक है? चलो भाई, अपना ख्याल रखें और अपने चाहने वालों का भी। बाय बाय, थैंक यू, कमेंट जरूर करना, तुम्हारा एक दिल चाहिए कमेंट में। बाय बाय, थैंक यू।